नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। जस्ट बिकॉज द पास्ट डिडंट टर्न आउट लाइक यू वांटेड इट टू डजंट मीन योर फ्यूचर कैंट बी बेटर देन यू इमेजिन। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब जिंदगी चलती है, आगे बढ़ती है ना, तो जो कुछ आपने सोचा है, ओके, जो जो कुछ आप चाह रहे हो कि ऐसा हो, तो ऐसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर जो आपका भविष्य है ना, तो यहाँ पर जो आपने इमेजिन किया उससे बढ़िया नहीं होगा, तो उससे भी बढ़िया हो सकता है। ओके, जो आप इमेजिन करके चल रहे हो, ओके, तो सिनेरियो बिल्कुल किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ना आपको ये पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप चाहे जो जितना मर्जी सोच लो, ओके, तो आपकी सोची हुई चीज ही हो जाए तो ये भी, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। ओके, तो ऐसे ही चलता है जीवन, तो ये सच्चाई है जीवन की। तो आपका फोकस प्रेजेंट में होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो काम मिला है उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस लगा दो। उसी फोकस से ना बहुत सारे रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। ओके, तो वो आपके फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं, फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन भी दे सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक भी आपको पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आपका पूरा फोकस प्रेजेंट में, जो भी आपका गोल है उसमें एफर्ट आपका होना चाहिए 100%। आपका जो रोम रोम है ना, वो उस काम के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो अनसर्टेनिटीज की, जो मतलब अनिश्चितताएं, जो आपकी इसकी भावनाएं आती है ना, इससे आप दूर रहोगे, जो कि सही बात है। और हमेशा पॉजिटिव रहो, फ्यूचर बहुत बढ़िया होने वाला है और जो आपने इमेजिन भी नहीं किया वो आपको मिलने वाला है। तो कि इस तरीके से आगे बढ़ो। तो ये है आज का इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, तो डेली एडिशन, हम डेली डिस्कस करते हैं। तो ये आज का एडिटोरियल का पेज है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 आर्टिकल्स आए हैं आज, तो पांचों के पांच हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले वाला जो आर्टिकल है ये कोविड-19 के बारे में, इसके खिलाफ हमने जंग जीतनी है, तो कुछ यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं ऑथर के द्वारा। इसके अलावा जो अभी म्यांमार में, जो म्यांमार की आर्मी है ना, तो उसके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर तशद्दुद किया जा रहा है, जो अपने ही उनके लोग हैं जो चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को दोबारा से जो है ना रिस्टोर किया जाए म्यांमार में। तो हाल ही अभी 1 फरवरी को कूप हुआ था, तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की जानें अभी तक चली गई हैं। तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों को अभी तक मार दिया गया है म्यांमार की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके द्वारा। तो उसके बारे में ये आर्टिकल की भारत क्या स्टैंड ले, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो उसके अलावा जो ये वाला आर्टिकल है, यहाँ पर बात की गई है FIT की, जो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मतलब जब महंगाई हम किस तरीके से कंट्रोल करके चले, तो उसके बारे में चर्चा है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद गेट इंडिया टू बी वर्ल्डली वाइज, ओके, तो यहाँ पर बात की गई है FDI के बारे में। और यहाँ पर जो लास्ट वाला आर्टिकल, तो यहाँ पर बात की गई है द रियल नेट जीरो सम गेम, मतलब कि जो एमिशंस है उनको हमने कम करना है, वो अभी ज्यादातर एनवायरमेंट के अनुकूल नहीं है। अगर एमिशंस ऐसे ही बढ़ती जाएंगी तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में बात की गई। भारत भारत जो है ना, कैसा यहाँ पर फंडा अपनाकर चल रहा है, क्या गोल है भारत के, तो क्या क्या ट्रीटीज वगैरह साइन की, तो सभी मुद्दों के बारे में यहाँ पर खुलकर चर्चा की गई है। तो ये अभी 5 एडिटोरियल्स हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये पूरे के पूरे न्यूज पेपर में सारे के सारे पेजेस हैं। ओके, तो इन पेजेस में से भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आएगी तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ओवरऑल सिनेरियो में पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है ना वो आपका कवर होगा। और अगर आपने कोई एक न्यूज़पेपर अच्छे से उसको फॉलो कर लिया ना, अच्छे से उसको पढ़ लिया, तो वो इनफ है। ओके, तो उस न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सबसे बढ़िया चीज होती है, जिससे आपका दिमाग जो है ना वो उसका एनालिसिस की ओर भागता है। तो ये चाहिए लगातार 6 से 8 महीने अगर आप लेक्चर एडिटोरियल वगैरह सुनते हो ना, ये सब चीजें सुनते हो, तब जाकर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तब जाकर अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछा गया मेंस में, तो उसका आंसर आप जो है ना बड़ी आसानी से दे पाओगे। तो इसके लिए लगातार देखो, बहुत सारे एडिटोरियल्स ऐसे होते हैं, रिपीट होते हैं, कुछ में नए सजेशंस दिए होते हैं, तो वो उनको सबको सुनना है। ओके, तो बार बार जो चीज सुनी जाएगी, रिटेंशन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ओके, तो जितनी ज्यादा रिटेंशन बढ़ेगी, उतने बड़े पैमाने पर आप आंसर लिख पाओगे, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप है चाहे मेंस का क्वेश्चन है। तो लास्ट लास्ट में यहाँ पर इकोनॉमिक का कंसेप्ट होता है, डेली बेसिस पे एक नया टॉपिक जो है ना हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस लेक्चर को। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहां पर डेली बेसिस पे जो PDF है वो अवेलेबल होता है। इसके बाद अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उस तरीके से भी अप्रोच कर सकता है, इकोनॉमिस्ट वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ,
और वीडियोस वाले सेक्शन में जब जाओगे तो पहले नंबर पर जो वीडियो पड़ी होगी वही लेटेस्ट होगी, डेट वहां पर पड़ी होगी। ओके, तो उस डेट को आप देख लेना, वो लेटेस्ट वीडियो आपको पता चल जाएगी। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो टाइम टू शिफ्ट गियर्स इन द कोविड बैटल, फोकस वैक्सीन अटेंशन ऑन वल्नरेबल रीजन्स। अभी देखो, कुछ रीजन भारत के ऐसे हैं जहां पर ना केसेस का उछाल ज्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गया, फिर पंजाब हो गया, और फिर छत्तीसगढ़ हो गया, तो केरला हो गया। तो अभी इन राज्यों में बहुत ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं। तकरीबन जो 90% नए केसेस निकल कर आ रहे हैं ना, वो अभी ये इन्हीं 4 राज्यों में से निकल कर आ रहे हैं। तो अभी एक्सपर्ट्स की टीम भी भेजी जा रही है भारत सरकार के द्वारा कि यहाँ पर देखा जाए। ओके, आज ही यहाँ पर न्यूज में खबर आई, एक्सपर्ट्स की टीम भेजी जाएगी, किस तरीके से सरकार को असिस्ट करना है, जो राज्य सरकारें हैं उनकी हेल्प करनी है, ताकि जो कि वो कोविड-19 के सर्जेस को काबू पा पाए, उसको यहाँ पर कम कर पाए। तो इन राज्यों में खासतौर पर जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। ओके, तो अभी सिनेरियो फिर वैसा लगना शुरू हो गया जैसे लॉकडाउन के सिनेरियो, जैसे लॉकडाउन था। ओके, तो उस समय जैसे लॉकडाउन फुल डे था, तो ये अभी महाराष्ट्र में भी शुरुआत में क्या करने जा रहे हैं कि वीकेंड पे जो है फुल लॉकडाउन होगा, और वैसे नाइट कर्फ्यू जो है ना वो चलता रहेगा। ओके, तो ये अभी इम्प्लीमेंट अभी आज से हो गया है महाराष्ट्र में, तो जिससे बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोबारा। खासतौर पर अगर सिनेमा सेक्टर की बात करें तो वो तो पहले ही बेचारा खुला नहीं था अच्छे से, अगर दोबारा से रिवाइवल हुआ था दोबारा से वहां पर शटडाउन हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी इकोनॉमी की सप्लाई चेन को भी। अगर नाइट कर्फ्यूज लगते हैं तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर इंडस्ट्री इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर लगी हुई है। तो इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर लगी हुई, जिसके तहत क्या है कि अगर नाइट को रात को अगर कोई ऑटो पार्ट्स की शिफ्टिंग करनी है, मतलब कोई एक महिंद्रा, सपोज करो एक महिंद्रा कंपनी है जो कि SUV गाड़ी बना रही है, लेकिन उसके अलग अलग प्लांट्स है पूरे महाराष्ट्र में, तो हर एक प्लांट से उसको एक अपने ऑटो पार्ट उठाने हैं, तो एक जगह पहुंचाने हैं जहां पर असेंबली होगी, तब जाकर गाड़ी बनेगी। तो अब जब नाइट कर्फ्यू लग जाएगा तो उनको दिक्कतें आ रही हैं, और तो अगर ऐसी दिक्कतें आएंगी फिर जो यहाँ पर कस्टमर को डिलीवरी करनी है ना व्हीकल्स की, तो उसमें कमी जो है ना उसमें गिरावट देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर वेटिंग पीरियड बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा, तो इससे भी इकोनॉमी हर्ट होगी, खासतौर पर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी। ओके, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हर्ट होने वाले हैं दोबारा, अगर दोबारा से लॉकडाउन लगता है। ओके, फुल लॉकडाउन लगता है, तो अभी तो सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा है, तो तब भी यहाँ पर इतनी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो जब फुल लॉकडाउन होगा फिर दोबारा से वही 2020 वाला हाल होना शुरू हो जाएगा। तो अभी यही बात की जा रही है कि जो वैक्सीन है ना, तो अभी टाइम ये है कि अपने मतलब पूरा फोकस पूरा जोर लगा दो कि कैसे हम यहाँ पर कवर करें, कैसे जो है हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो यहाँ पर दायरा उसको बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ाएं। तो जैसे यहाँ पर बात की जा रही है US से, तो US ऐसा देश है जिसने क्या किया है कि अभी तक जितने भी कोविड वैक्सीन बनी है ना, तो वो US क्या कर रहा है उसको खरीदते जा रहा है। अगर इंडिया बना रहा है तो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, ओके, वो कोविशील्ड बना रहा है, और भारत बायोटेक कोवैक्सीन बना रहा है, तो ये मंगवाता जा रहा है US, और भी दुनिया के जो बाकी देश हैं उन वहां से वैक्सीन मंगवा रहा है, खुद में खुद यहाँ पर कंट्री के अंदर US में भी वैक्सीन बन रही है। ओके, तो ये नोवावैक्स जो है ये US की ही कंपनी है। ओके, तो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो भी वहां पर ही वैक्सीन बना रही है, और भी बहुत सारी कंपनी जो वहां पर वैक्सीन बना रही है, लेकिन US बाहर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी देश की मदद नहीं कर रहा है कि मैं किसी देश को दे दूं, तो सबसे पहला फोकस अपनी जनता के ऊपर कर रहा है। ओके, तो अभी जो भारत के जो लोग वहां पर अमेरिका में रहते हैं, तो वो उन्होंने लार्ज स्केल वैक्सीनेशन ड्राइव देखी है कि कैसे जो है ना 20-20, 30-30 मिलियन लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जा रहा है, इतने बड़े इन्वेंट्री जो है बनाकर रखी जा रही है US के द्वारा, जो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, लेकिन जो गरीब कंट्रीज है उनको यहाँ पर कोई ग्रांट असिस्टेंस नहीं दी जा रही जो कि भारत दे रहा है। ओके, तो भारत के ही पास यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो अभी वही उसी के ऊपर निर्भर है काफी दुनिया के बहुत सारे देश जो है। ओके, तो अभी खासतौर पे वही सिनेरियो है कि हमें जो US में जो चीज चल रही है ना उससे थोड़ा बहुत हमने सीखना है, तो और भी हमने क्या करना है बड़े पैमाने पर कि जो वैक्सीन जो कि इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन दे रही है ना भारत सरकार को, जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, तो अभी उनको अप्रूवल दो। ओके, तो यहाँ पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर लो एक बार कि क्या वैक्सीन सही बनी है। ओके, तो उनको अप्रूवल दे दो कि हाँ अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ी ना तो इमरजेंसी के लिए हम यहाँ पर आपकी वैक्सीन उठा लेंगे। तो यहाँ पर खासतौर पर जो भारत की कंपनी है ना, भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनकी बात की जा रही है। तो भारत में तो अभी सिर्फ 2 ही कंपनीज है जो बड़े पैमाने पर निर्माण कर रही है वैक्सीन का, लेकिन अभी 17-18 और कंपनीज है जो लाइन में खड़ी है। ओके, तो यहाँ पर वो बना सकती हैं, और कुछ और भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है लेकिन उनके पास रिसर्च नहीं है, और उनके पास नया फार्मूला नहीं है कि किस तरीके से वो
वैक्सीन को आगे बना पाए। ओके, तो अभी इसी के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की बात कर रहे हैं और दूसरा नोवावैक्सीन की, यहाँ पर नोवावैक्स वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि इनको भारत जो है ना, भारत के लिए अच्छी खासी ये वैक्सीन साबित हो सकती है। ओके, तो ये तो बाहर की है ना, तो ये भी भारत के इंटरेस्ट में सही है, क्योंकि अगर बात करें जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की ना, तो ये सिंगल शॉट वैक्सीन है। सिंगल शॉट कहने का मतलब इसका एक ही डोज लगेगा। ओके, तो जो बाकी की जितनी भी वैक्सीन है, चाहे भारत में जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, चाहे नोवावैक्स है वैक्सीन, ओके, तो ये इन सभी का डबल डोज लगेगा। ओके, तो एक कैडिला करके कंपनी है भारत की, तो वो भी एक वैक्सीन बना रही है, वो उसके 3 डोजेस लगेंगे। तो अभी वो कोशिश कर रही है कि उसको 2 डोजेस में कन्वर्ट करें, लेकिन अभी 3 डोजेस तक उनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अभी फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल है ना, वो ऑन द रन है, मतलब चल रहा है अभी। ओके, तो अभी जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की बात करें या नोवावैक्स वैक्सीन की बात करें, तो ये जो ना, इनको आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल फ्रिज में। इसके लिए चलते भी यहाँ पर बात की जा रही है कि इनको भारत को इसको इम्पोर्ट करना चाहिए। और अभी समय ऐसा है कि यहाँ पर जो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है, जो कोविड रिलेटेड थेरापेटिक्स या फिर जो वैक्सीन है, मतलब जो भी थेरेपीज होती है जिससे कोविड-19 से बचा जा सकता है, या फिर जो वैक्सीन जो कि कोविड-19 से बचा सकती है ना, तो अभी कहा जा रहा है कि अभी समय ऐसा है कि WTM में जाए, तो वहां पर एक बात कही जाए कि जो जो भी देशों ने वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया ना, उसको यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खत्म कर दो। जैसे भारत में जो भारत बायोटेक है ना, तो उसने जो वैक्सीन बनाई वो उनकी खुद की बनाई हुई है, कोवैक्सीन। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और भारत बायोटेक दोनों ने मिलकर खुद की रिसर्च किया और वैक्सीन का निर्माण किया है। तो अभी भारत भी चाह रहा है, और यहाँ पर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी इकट्ठे होकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तकरीबन 80 से ज्यादा कंट्रीज है जो सपोर्ट कर रहे हैं भारत की WTO में, कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनको यहाँ पर वेव कर दिया जाए। तो ये क्या होते हैं, जिसने भी रिसर्च की होती है ना, तो उसका पेटेंट होता है वो चीज। ओके, तो वो पेटेंट को ही वो यहाँ पर खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखो, एक बार जो पेटेंट रजिस्टर हो गया, खासतौर पे अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, तो 20 साल तक उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ओके, तो 20 साल तक अगर उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि 20 साल के बाद ही कोई दूसरी कंपनी जो है ना, वो उसको कॉपी करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगी। लेकिन अभी 20 साल तक वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए बात की जा रही है कि इन IPR राइट्स को वेव ऑफ कर दो। जिस जिस भी कंपनी, जिस जिस भी देश ने रिसर्च करके वैक्सीन बनाई है, जैसे स्पुतनिक 5 बनाई है रशिया ने, अस्ट्राजेनेका बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ओके, तो अस्ट्राजेनेका का ही फॉर्मूला है जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना, उसको अप्लाई करके जो वैक्सीन बना रहा है, लेकिन भारत में उसका नाम कोविशील्ड रखा गया है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान में रखें। तो अभी अगर ये IPR खत्म होता है, तो क्या होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भारत सरकार को कहा जा रहा है कि जो भारत की कंपनी जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च करके जो बना रही है चीजें, तो उनका IPR खरीद लो। ओके, तो अगर वो IPR भारत खरीद लेता है ना, तो इससे क्या होगा, 18, 19, 20 कंपनीज और भी लाइन में खड़ी है, जिनके पास कैपेसिटी है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब लैब्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन फॉर्मूला नहीं है बनाने का। तो वही फॉर्मूला भारत सरकार उन 18, 20 और जो कंपनीज है भारत की, उनको दे दे, जिससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर कैपेसिटी है ना, एडिशनल कैपेसिटी वो राइज हो जाएगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन की हम बात करें, तो और बड़े पैमाने पर हम वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उसका काफी बड़ा फायदा हमारे देश के लोगों को भी होगा, और दुनिया के उस कोने कोने, उस रीजन में भी होगा जहां पर वैक्सीन जिनको अवेलेबल नहीं हुई है अभी तक। ओके, जो बहुत गरीब देश है उनको, तो इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर की कंपल्सरी लाइसेंस जो ना इशू करें इंडियन वैक्सीन मेकर्स को, कि जिनके पास यहाँ पर एडिशनल कैपेसिटी है लेकिन फॉर्मूला वगैरह नहीं बनाने का, तो उनको फॉर्मूला दो, वो भी बनाए। ओके, तो यह यहाँ बिल्कुल जरूरी बात है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है उसको हम यहाँ पर जो है ना बनाए। हर्ड इम्यूनिटी वही है कि मतलब जो जिसको टीका एक बार लग गया, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई, तो बाद में जो अगर वो किसी भी जगह पर जाता है ना, तो उसको ऐसा इसके चांसेस ऐसे उसको कोरोना वायरस जो है वो नहीं होगा अगर एक बार हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसी बातें कही जा रही है। तो पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन में अगर ऐसा हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है आने वाले समय में, तो आने वाले समय में जो नए म्यूटेशंस निकल कर आएंगे, जो अभी वायरस के अंतर्गत भी ना अलग अलग वेरियंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो भारत में भी 2 अलग अलग वेरियंट्स पाए गए हैं, जिसके बारे में मैंने हाल ही में चर्चा की है लास्ट टाइम, तो अभी उनसे भी हम बच सकते हैं। तो अभी वो ज्यादा डिफिकल्ट है कि उनके लिए, उनको कैसे उनका मुकाबला करें, तो अच्छा यही है कि वैक्सीन जो है ना, वो सही समय पर हो जाए। ओके, तो अगर ज्यादा लंबे समय तक हम इसको यहाँ पर खींच देते हैं, तो फिर टफ हो जाएगा हमारे लिए कोविड-19 को काबू कर पाना। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नाउ अप्रोच टू म्यांमार स्ट्रगल। तो म्यांमार हमारा पड़ोसी मुल्क है। ओके, तो पड़ोसी है, तो उसके साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो उनका बॉर्डर है। ओके, तो
कौन कौन से राज्यों के साथ जो है ना म्यांमार का बॉर्डर टच होता है, उन राज्यों का नाम जो है ना मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है। तो इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल अभी 1 फरवरी से तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में। ओके, तो वहां पर जब से तख्ता पलट हुआ है तब से सिचुएशन सही नहीं है, वहां पर बहुत बुरी सिचुएशन हो चुकी है। तो जिसके चलते ना अभी जो वहां की आर्मी है, वहां की जो मिलिट्री है, जिसका जो आर्म फोर्सेस, उसका नाम है यहाँ पर ततमा दाव, ये नाम याद रखें। ओके, ततमा दाव ना यहाँ पर जो म्यांमार की आर्म फोर्सेस, उनका नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो इसके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर मास किलिंग की जा रही है अपने ही लोगों की। ओके, तो पिछले 2-3 साल पहले मुस्लिम्स लोगों को यहाँ पर मारा गया, जिसको हम यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स बोलते थे, तो अभी ये अपने ही लोगों को मार रहे हैं। ओके, तो ज्यादातर ये बुद्धिस्ट लोगों का देश है म्यांमार, बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। ओके, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी है। तो अभी इंडिया ने कॉल दी है। ओके, इंडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है, एक कॉल दी है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को दोबारा स्टेब्लिश किया जाए, यहाँ पर डेमोक्रेसी को दोबारा से वापस लाया जाए म्यांमार में, और साथ ही साथ जो वायलेंस क्रिएट किया गया है, जो यहाँ पर मिलिट्री है म्यांमार की जिसका नाम है दत्मा दाओ, तो जो यहाँ पर तशद्दुद ढाया जा रहा है ना म्यांमार की जनता के ऊपर, तो उसकी निंदा की है भारत ने अभी। ओके, तो इसको ऑथर यहाँ पर बात करें कि बिल्कुल सही रास्ते पे जो हमने यहाँ पर कदम रखा है, बिल्कुल जो हमारी जो ड्यूटी थी वो हमें निभाई है एज ए नेबर, पड़ोसी होने के नाते, जो उस देश के लोगों को जो यहाँ पर जो लोग चाहते थे ना कि कोई देश सपोर्ट करे, तो वो ड्यूटी भारत ने यहाँ पर निभाई है। और अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी न्यू दिल्ली, भारत को चाहिए कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस, जो आशाएं हैं जो म्यांमार के लोग हैं उनकी, तो जैसे वो चाह रहे हैं कि दोबारा से जो गवर्नमेंट, जो कि आंग सू की जो गवर्नमेंट चल रही थी, जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई थी, तो वो भी उसी में वो लोग चाह रहे हैं कि उनका फेथ है, क्योंकि दोबारा से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट जो है ना हमारी, जो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट है, तो वो उनको अभी सपोर्ट करनी चाहिए म्यांमार के लोगों की। तो अभी वो चाह रहे हैं, अपनी जो एस्पिरेशन उनकी है कि डेमोक्रेटिक वे में अगर देश चलता है तो अच्छी लाइफ उनको मिल सकती है। तो अगर अच्छी लाइफ मिलती है तो उस देश के लोगों को, जो लोगों में जो शांति का माहौल है ना, तो वो बन सकता है, और उस रीजन की जो सिक्योरिटी है तो वो भी बड़े पैमाने पर जो है ना इम्प्रूव हो सकती है। देखो, म्यांमार के साथ हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का बॉर्डर टच होता है, तो वहां पर भी इंसर्जेंसी रहती है, तो वहां पर भी बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो भारत में ना पनाह लेते रहते हैं, जब भारत में हमला करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भारत की आर्म फोर्सेस म्यांमार में घुसकर जाके उनको मार के आती हैं। ओके, तो इस तरीके के भी सिनेरियो कई बार होता है। ओके, तो जिसके चलते यही रीजन है कि म्यांमार का जो बॉर्डर है ना वो अंडर कंट्रोल है हमारे, तो वहां पर इतनी बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी नहीं होती है। ओके, तो वहां पर भी हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो वहां पर भी पीस चाहिए, तो वह तभी आएगा जब वहां पर जो डेमोक्रेटिक वे है ना सरकार चुनने का, तो उसको बहाल किया जाए। तो अभी जिसको 1 फरवरी से खत्म कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया आर्मी के द्वारा, तो नवंबर 2020 में ही अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, और जो म्यांमार की जो आंग सुई की जो पार्टी थी, जो पहले भी यहाँ पर अध्यक्ष लीडर रही है म्यांमार में, ओके, जिनकी यहाँ पर सरकार थी, तो दोबारा से वो चुनकर आ गई और अच्छी खासी बहुमत से आई वो। तो शायद इसी के चलते यहाँ पर जो आर्मी थी, तो यहाँ पर उसको सही नहीं लगा, जिसके चलते 1 फरवरी को कुछ ही महीने बाद तख्ता पलट कर दिया गया म्यांमार में। तो इस मैप को देखिए आप, तो ये हमारा भारत है। ओके, तो ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा, किसके साथ, इस म्यांमार के साथ। तो इसको थोड़ा सा समझें, तो ये बे ऑफ बंगाल का एरिया है सारा, ये अंडेमान सी है, ये अंडेमान निकोबार हमारे आइलैंड्स हैं, इसको थोड़ा एनहांस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सितवे पोर्ट पड़ता है, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कलादान प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, तो ये म्यांमार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कलकत्ता से ना सीधे हम यहाँ पर सितवे पोर्ट पहुंचेंगे वाया शिप, और यहाँ पर एक कैनाल का काम चल रहा है। तो यहाँ पर एक जो कोलकाता हो ना, तो यहाँ तक कैनाल है, तो कैनाल तक हमारी शिप जो है पहुंचेंगे, आगे बाय रोड जो है हम यहाँ पर अपने मिजोरम तक ना अप्रोच करेंगे। तो ये तीसरा जो है रास्ता भारत यहाँ पर निकाल रहा है कि कैसे म्यांमार के साथ जो है जुड़कर हम जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक हम पहुंच करें। तो वैसे जो इकलौता रास्ता है हमारा यहाँ तक पहुंचने का, वो यहाँ है, इस वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ओके, ये वाला जो रास्ता है ना, ये बहुत छोटा रास्ता है, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो यहाँ से ही रेल लाइंस निकलती है, यहाँ से ही जो है रोडवेज निकलते हैं, तो यहाँ से घूमकर हमें जाना पड़ता है, तो फिर हम इधर असम वाली जगह में एंटर करते हैं। ओके, फिर जाके हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ हम जुड़ पाते हैं। ओके, दूसरा रास्ता कि बांग्लादेश के बीचों बीच होते जाए। ओके, तीसरा रास्ता अभी जो मैंने अभी आपको कलादान प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ से होकर जो है सीधे हमें अपने मिजोरम राज्य के साथ कनेक्ट करेंगे और अपने नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के साथ हम जुड़ेंगे। ओके, तो देखो ये वाला रीजन है जी, इसको हम रखाइन स्टेट बोलते हैं। तो ये पहले भी यहाँ पर ना काफी बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ, रखीन स्टेट इसको बोलते हैं,
और मुस्लिम्स को बड़े पैमाने पर यहाँ मारा गया। तो अभी तो पूरे देश में ऐसा सिनेरियो चल रहा है, अगर इधर साइड किसी को मारा जा रहा है तो वो थाईलैंड की ओर जो है अप्रोच करते जा रहे हैं। देखो ये बॉर्डर है थाईलैंड का, अगर इधर यहाँ पर वायलेंस हो रहा है तो लोग इधर भागे जा रहे हैं, अगर इधर वाले बॉर्डर्स पे वायलेंस हो रहा है तो लोग इंडिया की ओर भागे जा रहे हैं। तो इंडिया के साथ जैसे मणिपुर हो गया, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ओके, ये अरुणाचल है, ये नागालैंड है इधर, तो इन सभी राज्यों के साथ जो है ना बॉर्डर टच होता है म्यांमार का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल क्या है म्यांमार की, किसी जमाने पर ये थी यंगून, ओके, जिसको हम रंगून भी बोलते थे। तो अभी क्या है इसकी कैपिटल, तो इसकी अभी जो कैपिटल है ये है NAYPYIDAO, ओके, तो नए पाई डॉ इसको बोलते, तो ये नई नई कैपिटल है म्यांमार की, और या फिर इसको नेपिदा करके भी इसकी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो इसके आसपास का रीजन भी देख ले, इस साइड से चाइना का बॉर्डर टच होता है, ओके, तो इस साइड से चाइना भी जो है ना एक तरीके से असर्शन करता रहता है यहाँ पर म्यांमार में, जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है भारत के लिए कि इसको किस तरीके से टैकल करना है, ओके। तो और भी मुल्क देख लीजिए, जैसे लाओस है, ओके, लाओस जो है ना यहाँ पर लैंड बॉर्डर कंट्री है, इसके साथ समुद्र रेखा नहीं लगती है। इसके अलावा ये वियतनाम का रीजन आ जाता है, यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ओके, एक्सपोर्ट भी इनके बढ़ते जा रहे हैं भारत के मुकाबले में भी। ये कंबोडिया का रीजन है, ओके, तो ये थाईलैंड है, थाईलैंड भी यहाँ पर नीचे तक जाता है, उसके साथ ही यहाँ पर मलेशिया का बॉर्डर आता है। तो ये पूरा का पूरा ईस्ट एशियन कंट्रीज का सिनेरियो जो है ना ये शुरू हो जाता है। और अभी आगे क्या बात कर रहे हैं कि अभी यूएस ने और ब्रिटेन ने, इन दोनों ने तो सैंक्शंस लगा दिए, काफी सैंक्शन लगा दी म्यांमार के ऊपर, लेकिन भारत के पास ये ऑप्शन नहीं, भारत जो है म्यांमार के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकता, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी मुल्क है। तो अभी भारत को वही अप्रोच अपनानी होगी जो 1990s में भारत ने अपनाई थी। देखो जो म्यांमार में ये तख्ता पलट हुआ ना, ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जब से यहाँ म्यांमार आजाद हुआ 1948 से, तब से यहाँ पर जो ना कुछ पता नहीं चलता कि कब यहाँ पर डेमोक्रेसी, जब इलेक्शन होते हैं सरकार चुनकर आती है, और कब यहाँ पर जो है मिलिट्री रूल शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी यही रहा है, पाकिस्तान का भी सिनेरियो यही रहा है। तो वहां पर कब मिलिट्री रूल आ जाता है, कब यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, तो इसका भी कुछ पता नहीं चलता। तो उनकी यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर है ही नहीं, ना म्यांमार में और ना ही पाकिस्तान में, ओके। तो जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी ना, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती है कि इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टर जो है ना अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहता है किसी ऐसे देश में इन्वेस्ट करके जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। तो चाइना में बड़े पैमाने पर क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो चाहे एक ही पार्टी रूल कर रही है, तो वहां पर हालांकि उसको रिपब्लिक कहा जाता है चाइना को, लेकिन रिपब्लिक जैसा वहां पर कुछ खास है नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी रूल कर रही है। तो और भी यहाँ सर बहुत सारे ना ऑथोरिटेरियन यहाँ पर जो है रास्ते अपनाए जाते हैं, तानाशाही वाले रास्ते अपनाए जाते हैं चाइना की तरफ से। अगर दुनिया में फुल फ्लेज या अगर डेमोक्रेसीज है ना, तो वो इंडिया है, और दूसरा अगर बात करें तो वो यूएस है, ओके। तो अभी बात की जा रही है कि 1990s वाला वो जो हमने अप्रोच अपनाई थी, कि उस समय भी मिलिट्री कूप था और मिलिट्री रूल ही चल रहा था म्यांमार में, तो उनके उनके साथ हमने यहाँ पर सपोर्टिव वे में हमने बातचीत की, जो है रिलेशन थे जो म्यांमार के साथ हमने बनाए रखे, उसको उनको एक्सपैंड करते रहे, और साथ ही साथ हमने डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उनका भी सपोर्ट करते रहे कि डेमोक्रेसी जो है ना वो आनी चाहिए। हमने वो सपोर्ट भी करते रहे और साथ ही साथ एंगेज भी करते रहे मिलिट्री के साथ। तो उसी अप्रोच को अभी भी यहाँ पर ना लागू करने की यहाँ पर जरूरत है, अगर हम चाह रहे हैं कि अब डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोर अगर हम करते भी हैं, तो बाद में भी अगर दोबारा से, अगर सपोज करो दोबारा से डेमोक्रेसी वापस आ भी जाती, तो फिर भी हमें मिलिट्री से अच्छे से ही एंगेज करके चलना है, ओके, जब तक यहाँ पर जो वो पावर में है चाहे नहीं है, और जब तक धीरे धीरे करके जो यहाँ पर सिविलियन इंस्टीट्यूशन है दोबारा वो सत्ता में वापस में नहीं आ जाते, तो हमने यहाँ पर वही 1990s वाली अप्रोच अपनाकर चलनी है, एंगेज करके ही चलना है जो भी सत्ता में है, चाहे मिलिट्री है उनकी, चाहे जो आम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो है, ओके। तो अभी बॉर्डर एरियाज में इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है, तो या लोगों को मारा जा रहा है, तो लोग जो है भाग रहे हैं, जो विद्रोही है वो भाग रहे हैं। तो विद्रोही विद्रोह इसलिए कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को दोबारा से बहाल किया जाए, जो सरकार पुरानी चल रही थी, ओके, पिछले 7-8 सालों से, तो उसी को बहाल करो। तो इसी के लिए विरोध चल रहा है, तो यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, ओके, बड़े बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अराकन प्रोविंस की बात करें, तो यहाँ पर भी जो है अभी अभी दोबारा से इधर भी जो वायलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर ये चाइना जो है एक तरह से सपोर्टिव रोल कई बार अदा करता है म्यांमार में भी, ओके। तो दूसरी ओर जो है रिलेशनशिप जो है हमारी जो सोए की के साथ, हमने उसको भी देखना है, और आगे बात करें मिलिट्री, तो ये सभी फैक्टर्स को हमें देख के चलना है, ओके। तो अराकान प्रोविंस है ना, तो यही इसको इसी को हम रैकिन स्टेट बोलते हैं। तो ये देखिए,
तो देखिए ये है पूरा का पूरा म्यांमार, तो ये इसके सभी राज्य हैं। तो ये रेड कलर में जो हाईलाइटेड है ये अराकन प्रोविंस है। तो पुराना नाम था इसका अराकन, और जब से नाम इसका बर्मा से म्यांमार में तब्दील हुआ तब से इसका नाम बदल के रखीन स्टेट कर दिया गया था। तो अराकन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अराकन नाम की पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स हैं, जिसके नाम के ऊपर जो है ना इसका ये नाम रखा गया इस राज्य का। लेकिन अभी इसका नाम रखीन स्टेट है। तो यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम्स, यहाँ पर उनकी ज्यादातर आबादी थी, लेकिन इनको भी मारकर भगाया गया 2-3 साल पहले। ओके, तो वो ये भी कुछ बांग्लादेश में चले गए, कुछ इंडिया में आ गए, कुछ श्रीलंका में चले गए, कुछ दुनिया के बाकी कोनों में इन्होंने शरण ले ली। तो ये सारा का सारा रीजन बे ऑफ बंगाल वाला है। तो अभी यही बात आगे की जा रही है, हमें यहाँ पर सभी फैक्टर्स को देखना है, चाइना को भी देखना है। जो आंग सुंग हुई, तो जो भी अभी पहले जो अध्यक्ष थी, जो यहाँ पर लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर थी म्यांमार की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जो आंग सुंग हुई है उनकी कौन सी पोस्ट थी यहाँ पर, वो प्रेसिडेंट थी या फिर प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, तो इसका 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 आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये सब चीजें इंडिया को कंसिडर करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी सावधानी से हमें यहाँ पर जो है ना अपने बॉर्डर्स को ओपन करना होगा। तो अभी बॉर्डर्स को ओपन किया हुआ है, जो भी भारत के राज्य के साथ जो म्यांमार का बॉर्डर टच होता है, कि वहां से अगर कोई भी लोग अगर आते हैं ना तो उनको मारना नहीं, गोली नहीं मारनी हमने। तो अभी उनको मेडिकल एड हमने देनी है, कि और भी जो चीजें उनको चाहिए वो हमें अभी उनको देनी है। तो अभी दी भी जा रही है हमारे सरकार की ओर से। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि अच्छा स्टेप है ये। तो यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए चाहिए डेमोक्रेसी की, जो यहाँ पर एस्पिरेशन जो उधर के लोग चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहाल हो, तो इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट की जो यहाँ पर रास्ते हैं ना, इकोनॉमिक रास्ते हैं, तो वो भी उनको भी खास तौर पे सही करके चलना, प्रोटेक्ट करके चलना है म्यांमार में और न्यू दिल्ली में। ओके ओके, तो म्यांमार में भी बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी की जो जो मतलब काम कर रही है भारत की ओर से। जैसे हम बात करें कि न्यू दिल्ली को यहाँ पर बात करें कि उनको सेफ्टी जो ना वो यहाँ पर अश्योर करनी चाहिए। जो 100 से ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज है, इंडियन प्राइवेट कंपनीज जो म्यांमार में अभी ऑपरेट कर रही है, ओके, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अभी हो चुकी है 1.2 बिलियन डॉलर की, और 1.7 बिलियन डॉलर अभी जो है ना ये अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तौर जो है अभी की जा चुकी है इंडियन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा म्यांमार में, उनको प्रोटेक्ट करके चलना है। क्योंकि हाल ही में चाइना की भी 39 के आसपास जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, जिनको की आग लगा दी गई जो म्यांमार के जो लोग थे उनके द्वारा। ओके, तो ये सब चीजें चल रहा है, ये सब आगजनी वगैरह भी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। तो ये सब सिचुएशन जो है म्यांमार में बन चुकी है। ओके, तो हाल ही में यूएस ने भी क्या किया था, यूएस ने अपने जो डिप्लोमैट्स थे उनको वापस बुला लिया वहां से। वो इसलिए बुला लिया क्योंकि वहां पर अभी सिक्योरिटी नहीं है उनकी, तो इसी के चलते उनको वापस बुला लिया। तो अभी इंडिया को भी ये चीजें सोचनी होगी, जो चीजें इंडिया की वहां पर लगी हुई है ना, तो उनको अभी सेफ्टी से आगे बढ़ाना है हमने। ओके, तो ये अभी सिनेरियो है। तो अभी इंडिया को एंगेज करना है बायलेटरल, रीजनल और मल्टीलेटरल लेवल्स पर, जो रेजोल्यूशन जो है ना उसको निकालना होगा, और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है, डेमोक्रेसी का जो रूल है ना उसको बहाल करवाना होगा किसी ना किसी तरीके से, जो वहाँ के लोग चाह रहे हैं। ओके, तभी जो है ना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वहां पर आ सकेगी, तभी डेवलपमेंट जो है उस रीजन में हो सकेगी। तो यही यहाँ पर एक रास्ता है। ओके, तो जो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको जो है निकाल कर दे सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, अगर वहां पर डेमोक्रेसी बहाल होती है तभी सही तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पर आएगी और देश आगे बढ़ेगा उनका। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गेट इंडिया टू बी वर्ल्डली वाइज। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं हम एफडीआई के बारे में, और कैसे जो हमारा कर्जा है ना देश के ऊपर, जो कर्जा बढ़ता जा रहा है उसको भी कैसे कंट्रोल करें, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं की गई है। तो जब भी किसी देश में कर्जा बढ़ता जा रहा हो ना, तो अभी वहां पर सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है वो ऐसा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचनी चाहिए, पैसा बाहर से चाहिए कैश फ्लो में हमें, तभी जो के कर्जे के ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इसी के चलते शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी लास्ट विजिट जो हुई थी जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस कौन है, यहाँ पर ये अमेजोन के यहाँ पर संचालक है। ओके, तो जो अमेजोन कंपनी, जो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां से आप सामान वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, ओके, तो उसी के यार ये प्रमोटर है जेफ बेजोस। ओके, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है ये। ओके, दूसरे अभी कुछ ही महीनों पहले ही दूसरे नंबर पर हो गए थे एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ है, वो पहले नंबर पर आए थे, लेकिन वो 1-2 हफ्ते ही ठहरे, बाद में फिर उनकी यहाँ पर रैंकिंग गिर गई दोबारा से पहले पायदान पर, यही आगे दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी। तो उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अनाउंस किया था कि जो 21st सेंचुरी है ना, तो वो इंडिया को बिलोंग करती है। ओके, तो इंडिया इसमें काफी ग्रो करेगा अलग अलग सेक्टर्स में। तो इंडिया का जो यहाँ पर जिस जिस तरीके से, जिस होड़ से भारत आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बिजनेस सेंटीमेंट जो है ना वो अक्रॉस द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहे हैं भारत की तरफ से, कि भारत चाह रहा है कि पूरी दुनिया से भारत में लोग आए और अपना पैसा इन्वेस्ट करें और बिजनेस सिनेरियो उसको और डेवलप करें भारत में।
ओके तो इसी के चलते COVID-19 के चलते बावजूद भी एक मूडी जो है ना, ये मूडी एक तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके तो ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो भारत की भी है क्राइसिल, CRISIL। तो अभी इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रेटिंग देना कि कितना बिजनेस एनवायरनमेंट सही रहेगा इस देश में अगर इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर्स। तो इससे इन्वेस्टर्स को फायदा हो जाता है, जो इनकी रेटिंग्स होती हैं, अगर रेटिंग्स अच्छी हैं तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, अगर नहीं है तो इन्वेस्टर्स फिर कोशिश करता है कि जहां पर जिस देश में अच्छा रिटर्न मिल रहा है फिर वहां पर इन्वेस्ट करता है वो। तो अभी COVID-19 के बावजूद भी जो मूडीज है ना, तो उसने अभी इंडिया की जो GDP यहाँ पर उसकी जो प्रोजेक्शन दिखाई है कि कितने बड़े पैमाने पर 2021-22 का जो फिस्कल ईयर है इसमें हमारी GDP ग्रो करेगी, तो यहाँ पर 12% बोला है कि 12% के हिसाब से ये ग्रो करेगी GDP। ओके तो अभी कितनी चल रही है थर्ड क्वार्टर के हिसाब से, अभी अभी फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है, फोर्थ क्वार्टर जो है ना 31 मार्च तक वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया कि क्या आया, मतलब क्या GDP रही। लेकिन अभी क्वार्टर थ्री की बात करें तो क्वार्टर थ्री के अकॉर्डिंग 0.4% हमारी GDP थी, तो हमें अभी प्रेडिक्शन क्या लग रही है 12% की, पॉजिटिव 12% की। कितना हमें यहाँ पर उछाल लेके आना होगा, कितने बड़े पैमाने पर इकॉनमी बढ़ेगी तब जाकर 12% का टैग हम हासिल करेंगे। ओके तो 12% का टैग अगर हम हासिल करते हैं ना, तब जाकर 2024-25 तक जो है हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाएंगे, नहीं तो ये भी मुमकिन नहीं है। ओके तो टारगेट हमें जो $5 ट्रिलियन का जो टारगेट भारत सरकार ने रखा है, तो उसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर एक साल में 12 कम से कम 11 या 12% की ग्रोथ रेट हम लेकर नहीं चलते हैं। तो अभी आगे बात करें कि लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, तो अभी इसकी एक रिपोर्ट आई है ऑन ग्लोबल FDI इनफ्लोस, मतलब कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है ना किसी भी देश में, जो पैसा बाहर से आता है, तो उसमें से अभी भारत में जो जो पैसा आया है, ओके तो अभी इसकी जो टोटल अमाउंट है वो है $57 बिलियन जो FDI के रूप में भारत में पहुंचा है पैसा। तो इसको यहाँ पर हाईएस्ट एवर कहा जा रहा है, जितना भी पैसा अब तक भारत में पहुंचा है FDI के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। ओके तो ये अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से जो बाहर के देश के लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं भारत की इकोनॉमी में, तो वहां पर भी वो कुछ ना कुछ रिटर्न ही चाह रहे होते हैं कि अगर मैं भारत में इन्वेस्ट करता हूँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग रहा है इसके पास अभी भी जो है उसी रफ्तार से ये आगे बढ़ रही है। ओके तो इसी के चलते अभी $57 बिलियन का पैसा अभी तक हमने अट्रैक्ट किया है FDI इनफ्लोस के तहत। तो इसी पार्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, एक अच्छा सिग्नल इंडिया जो है यहाँ पर उसके तौर पर अभी काम कर रही है, अपनी ओर से सही सिग्नल दे रही है कि आप आओ मेरे देश में इन्वेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा। ओके तो यहाँ पर अगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को एक साइड पे हम रखते हैं ना, तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल लाउड है भारत सरकार की ओर से कि इंडिया जो है ना ओपन है बिजनेस के लिए, जिसको जो बिजनेस करना है वो इंडिया में आए, अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, अपनी फर्म लगाए और प्रोडक्शन एक्टिविटी बनानी शुरू कर दे। देखो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो कितने फायदे होंगे, अगर इन्वेस्टमेंट लगती है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो वहां पर भी लोगों को जॉब मिलेगी कि वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एस्टेब्लिश करें उस कंपनी को, बाद में रिक्रूटमेंट की जाएगी व्हाइट कलर जॉब्स अगर रखती हैं। ओके तो बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स वगैरह और भी जो जिस भी फील्ड में वो इन्वेस्टमेंट आई है तो उनकी रिक्रूटमेंट होगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस भी बढ़ेंगे। ओके प्रोडक्शन बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी भारत की। और इसी के चलते निर्मला सीतारमण का जो 2021 का बजट है, तो निर्मला सीतारमण कौन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की। तो 1 फरवरी को हर साल हम बजट अनाउंस करते हैं, तो 1 फरवरी को जब इन्होंने बजट अनाउंस किया तो उसने उस वहां पर भी उन्होंने सिग्नल दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना अभी लिबरल स्पेंडिंग कर रही है, धीरे धीरे पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रही है, ता जो कि आने वाले समय में एक प्रॉमिस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना स्पेंड हम दे सकें आने वाले 5 सालों में, ता जो कि बड़े पैमाने पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जिससे कि इन्वेस्टर्स भी जब अगर आए ना तो बड़े पैमाने पर आगे बढ़े, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले आगे आगे निकलने की। तो आने वाले 5 सालों में यही बात की जा रही है कि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर क्या चीजें चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे पुल वगैरह चाहिए, रेलवे कनेक्शंस वगैरह चाहिए। ओके अच्छे हमें यहाँ पर जो है हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी यहाँ पर क्वालिटी चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, जो हमारे एविएशन सेक्टर है तो उनकी कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से चाहिए। तो इन सभी सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है हमें तो आने वाले 5 सालों में। तो जिससे कि ऊपर की 1.8 ट्रिलियन जो डॉलर है ना वो खर्चा होगा, तो जो कि भारत की GDP का 70% है। ओके तो इसी के चलते अगर हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर भी हमें इमीडिएट स्पेंडिंग चाहिए हेल्थ केयर में, खासतौर पर बात करें जैसे COVID-19 की जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है भारत में, तो अभी भारत सरकार ही खर्चा कर रही है। ओके तो एक डोज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 250 रुपए की पड़ रही है ना, तो जो निर्माता है वैक्सीन के तो वो तो ये बात करेगी 250 रुपए में भी हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। ओके तो अभी कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन भारत सरकार सारा खर्चा खुद से दे रही है और आपको फ्री में वैक्सीन लग रही है। ओके तो यहाँ पर भी अच्छा खासा खर्चा हो रहा है भारत सरकार का, तो ये तो इमीडिएट स्पेंडिंग है ना जो पैसा लगाया जा रहा है भारत सरकार की ओर से।
तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जीएसटी के रूप से जो पैसा इकट्ठा होता है तो वो भी पर्याप्त नहीं पड़ता है, फिर भारत सरकार को लोन लेना पड़ता है। ओके, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत जो 10 ईयर यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड साइन होते हैं, तो उसके तहत भारत सरकार पैसा उठाती है मार्केट में से। और आगे बात करें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, मतलब जीडीपी कितनी है उसके मुकाबले में कर्जा कितना हो गया है भारत सरकार के ऊपर, तो वो अभी 90% के आसपास पहुंच चुका है। ओके, अगर मैं अमेरिका जापान की बात करूं तो उनका 90% से ज्यादा ही है। ओके, तो अभी इसी के रिगार्डिंग बात करें कि 90% से ज्यादा हमारा कर्जा डेट टू जीडीपी रेशियो हो चुकी है। अगर मैं रुपीज के टर्म में बात करूं ना, तो ये 100 लाख करोड़ के ऊपर का हो गया है कर्जा भारत के ऊपर। ओके, 100 लाख करोड़ से ऊपर का भारत के ऊपर कर्जा हो चुका है। ओके, तो जिसमें ज्यादातर जो कर्जा बढ़ा है ना, तो वो 2014 से लेके अब तक यहाँ पर 50% राइज देखने को मिला है कर्जे के ऊपर। गवर्नमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पर पैसा उधार लेके ना स्पेंडिंग के ऊपर फोकस किया है, यानी 5-7 सालों में। ओके, तो अभी इसी के चलते जो आगे बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर कर्जा जो है बढ़ता जा रहा है जीडीपी के हिसाब से, ओके, तो यहाँ पर खर्चा भारत सरकार कर रही है, मतलब जिस पैमाने पर वेलफेयर के लिए यहाँ पर खर्चा हो रहा है भारत सरकार की ओर से, और जो यहाँ पर बिजनेस स्पेंडिंग हो रही है, जैसे देखो पिछले साल कितनी अमाउंट जो है भारत सरकार के द्वारा इकोनॉमी में ही बांटी गई अलग अलग सेक्टर्स को रिवाइव करने के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज भारत सरकार दे रही थी। ओके, तो खासतौर पर जो एमएसएमईज के सेक्टर है उनके लिए, तो कर्जा भी बढ़ेगा तो स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। ओके, स्पेंडिंग बढ़ेगी, पैसा इन्वेस्ट कर रही है भारत सरकार तो कर्जा लेकर तभी तो कर रही है। तो जितनी यहाँ पर हम जीडीपी बड़े पैमाने पर बढ़ना बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर जो कर्जे का जाल है ना, तो वो भी उतना ही बड़ा जो है ना वो होता जा रहा है। ओके, तो अब जो बेस्ट इंटेंशन जो है ना भारत सरकार की, यही है कि किसी ना किसी तरीके से जीडीपी बढ़े। ओके, प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो यहाँ पर जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस जरा निकल कर आएंगे, और अच्छा दाम आपको चीजों का मिलना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी भी पैसों की कमी है। ओके, तो इतने बड़े पैमाने पर अभी भी जो है भारत सरकार के पास पैसे नहीं है कि आने वाले समय में फर्दर ओवर इन्वेस्ट करे, हालांकि काफी पैसा वो मार्केट से उधार भी उठाती है। तो अभी अगर डेट ट्रैप में कोई भी सरकार फंसना शुरू हो जाए, तो सबका सबके पास एक ही बेस्ट आंसर है, क्या? कि प्राइवेटाइजेशन कर दो। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना, तो एक तरीके का रामबाण जो है ना वो यहाँ पर देखा जाता है। इंडिया की जो कैश प्रॉब्लम्स होती है, जो भारत सरकार की कैश प्रॉब्लम्स होती है उनके रिगार्डिंग, तो भारत सरकार क्या करती है, जो भी पब्लिक सेक्टर अदारे उनका कुछ स्टेक जो है उसको मोनिटाइज करना, इमीडिएट यहाँ पर उनको मोनिटाइज करना शुरू कर देती है। मतलब कुछ हिस्सा जो है अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उनको प्राइवेट हाथों में बेचना शुरू कर देती है। फिर वहां से जो पैसा आता है ना, उसको हम बोलते हैं एसेट मोनिटाइज कर लिया। ओके, एसेट मोनिटाइजेशन हो गई। ओके, तो इस तरीके से पैसा जुटाती है भारत सरकार। लेकिन इसमें ऐसा 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 होता है कि एक यहाँ पर एक पीएसयू में सपोज करो स्टेक बेच दिया, जितना पैसा आया उसको कहीं पर पब्लिक वेलफेयर में लगा दिया। ओके, उस एस्पिरेशन को पूरा करते हुए, लेकिन यहाँ पर ही जो ना ये शांति नहीं मिलती है, यहीं पर ये मोमेंटम रुकता नहीं है। तो इस दोबारा से भारत सरकार को फिर से पैसा चाहिए होते हैं, तो फिर उसके लिए भारत सरकार एक नई जो है ना यहाँ पर कैश देने वाली जो गाँव है ना उसको ढूंढना शुरू कर देती है। तो कैश को हम जिसको बोलते हैं कि कोई भी यहाँ पर पीएसयू, ओके, या फिर प्राइवेट सेक्टर जो कि प्रॉफिट में बिजनेस जिसका चल रहा है, तो उसके उससे भी यहाँ पर जो है पैसा लिया जाता है। जैसे हम कहें कि सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है पैसा डोनेट करें, 2% जो है ना प्रॉफिट का देना होता है इसमें से, तो वहां से भी पैसा उठाती है। तो फिर इसके अलावा और भी जो पीएसयूज है उनका भी स्टेक बेचना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से कैश देने वाली जो गऊ है ना, तो उसके ऊपर फोकस करती रहती है भारत सरकार, जब तक पैसे की पूर्ति उनके पास नहीं होती है। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो ज्यादातर जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है ना, इंडियन जो प्राइवेट सेक्टर है, तो उसके बारे में अगर बात करें, तो वो ज्यादातर इनफेमस है फॉर रिनेजिंग ऑन इट्स लोन। मतलब जो भी ये लोन उठाते हैं ना, तो उसको वापस नहीं करते हैं, उसको त्यागते नहीं। रिनेजिंग का मतलब तो उसका मतलब त्याग करना। ओके, तो मतलब कि इसी के चलते यहाँ पर इनफेमस है। कहने का मतलब जिस तरीके से अगर लोन लिया है तो समय पर वापिस भी कर दो ना उसको, तो ये ऐसा नहीं किया जाता ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर लोन उठाता है। ओके, तो यहाँ पर कोताही बरती जाती है। खास तौर पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट बैंक्स की, तो अगर वहां से पैसा उठाया जाता है इनके द्वारा, तो उनको समय रहते वापस नहीं किया जाता, ना ही फिर उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है वो भी नहीं होती, जिसके तहत फिर बाद में वो लोन जो है ना वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उसको वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। अगर 90 दिनों तक अगर आपने अपने लोन की किस्त नहीं ना दी, तो 90 दिनों के बाद उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है यहाँ पर बैंकों के द्वारा। तो प्राइवेट डेट जो है ऑलरेडी यहाँ पर 55% के आसपास जो है पहुंच चुका है, तो यह बढ़ता जा रहा है। तो अभी भारत सरकार जिस तरीके से चाह रही है कि हमने आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो अभी जो मीजर्स अभी तक लिए गए ना, अभी वो इनफ नहीं है। तो अभी इतने बड़े पैमाने पर हम आत्मनिर्भर अभी तक बन नहीं पाए हैं, तो फिर अभी क्या करें? तो अभी वही सोल्यूशन जो ना अभी ऑथर की तरफ से दिया जा रहा है कि अभी अनिवार्य है भारत के लिए कि जो ग्लोबल प्राइवेट मनी है ना, तो मतलब कि जो आपका डेट जो कर्जे की जो प्रॉब्लम उसके यहाँ पर जो चिंताएं उसको खत्म कर सकते हैं,
कम कर सकते हैं तो उसके ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर एस्टिमेशन दिया जा रहा है कि जो बाहर की जो मनी है, जो बाहर के लोगों के पास जो पैसा है जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत में, ओके, तो अभी ये 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, ओके, जो कि नेगेटिव या फिर लो इंटरेस्ट रेट पे आपको ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा, ओके, मतलब कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट में आपको पैसा अवेलेबल हो जाएगा, तो इतना खासा आपको रिटर्न भी नहीं देना पड़ेगा उनको, ओके। तो इनमें से अभी अगर 2020 की बात करें तो भारत सिर्फ 57 बिलियन US डॉलर ही जो है ना वो अट्रैक्ट जो है वो कर पाया। तो यहाँ पर कितना अवेलेबल है? अवेलेबल है 30 ट्रिलियन US डॉलर, ओके। तो अभी जो बिलियंस में ही 57 बिलियन US डॉलर ही हम एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं 2020 की अभी बात की जा रही है, ओके। तो स्टार्टिंग में जो यूएन सीटेट की जो रिपोर्ट थी वो इसी बारे में बात कर रही थी कि इतना पैसा हमने एफडीआई के रूप में भारत में जो है हासिल किया है। और अगर दूसरी ओर बात करें चाइना की ना, तो चाइना का देखो अभी कोविड-19 के चलते कितना विरोध हुआ पूरी दुनिया भर में से, पूरी दुनिया ने यहाँ पर कहा कि हम जो है व्यापार नहीं करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ओके, और भी यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज थे जो यहाँ पर विरोध कर रहे थे चाइना का, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी, शत्रुता के बावजूद भी ना, यहाँ पर ग्लोबल एफडीआई रैंकिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर टॉप पर है चाइना। तो यहाँ पर 163 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है चाइना में, ओके। तो इंडियन इकोनॉमिक्स को भी अभी जरूरत है कि अभी दोबारा से ना सही तरीके से पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करें और देखें कि किस तरीके से ज्यादा यहाँ पर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का शेयर है उसको हम भारत में ला सकें। तो आगे बात करें कि सच्चाई है कि यहाँ पर इंडिया जो है ओपन है बिजनेस के लिए, भारत सरकार कह रही है, लेकिन कितने पैमाने पर ओपन है ये बात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये बात यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं, ओके। तो इंडिया अभी भी अगर बात करें ना कि जो अगर ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करें तो हमारी रैंकिंग 63rd आई है 2020 में, टॉप पर है न्यूजीलैंड, ओके, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर। तो सिंगापुर देखो किसी समय पर वो उसकी भी यहाँ पर वो ना लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में वो आता था, लेकिन अभी वो हाई इनकम कंट्री की कैटेगरी में चला गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर वहां पर डेवलपमेंट हुई है। तो वहां पर एक उनके प्रधानमंत्री थे जिनका 31 साल तक का रूल रहा था, तो वही एक उनका जो था ना हम कह सकते टर्म था कि एक ही बंदा रहा कितने समय तक, तो जिसकी बदौलत जो था ना पोलिटिकल स्टेबिलिटी रही और सही यहाँ पर निर्णय उन्होंने लिए जिसके तहत सिंगापुर जो था यहाँ पर हाई इनकम यहाँ पर कंट्री की कैटेगरी में आ गया, ओके। तो भारत अभी भी अगर हम बात करें ना, भारत की सिचुएशन इतनी सही नहीं है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, तो यहाँ पर भी बहुत सारी अड़चने वगैरह आती हैं। हालांकि भारत सरकार ने काफी कुछ दूर भी किया है, ओके, तो हमारी जो रैंकिंग है वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले सही भी हुई, लेकिन अभी फिर दोबारा से खराब होनी शुरू होगी। तो अभी 63rd रैंकिंग है हमारी। तो अभी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन मार्केट्स हैं हम, ओके, अगर हम भारत की बात करें, लेकिन फिर भी भारत जो है ना दुनिया की टॉप जो 50 कंपनीज है उनका होम नहीं है, ओके। जो यहाँ पर टॉप 500 कंपनीज जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ओके, जो सबसे ज्यादा अमीर कंपनीज हैं, तो वो उसके बाद वो हमारे भारत में नहीं है, मतलब बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, तो गिनी चुनी है। जैसे रिलायंस रिलायंस की बात कर लो, टाटा की बात कर लो, ओके, तो इस तरीके से, ओके। तो ये ऐसी कंपनीज की ज्यादातर भरमार हमें होनी चाहिए। अगर ज्यादातर कंपनीज हैं भी ना, अगर हम मर्सिडीज की बात कर लूँ या फिर किसी और फॉरेन कंपनीज की बात करूँ जो कि भारत में अपना यहाँ पर ग्रुप बनाकर चल रही है, जैसे सुजुकी सुजुकी की बात कर लूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन ज्यादातर बड़े पैमाने पर यहाँ हमारे यहाँ करती हैं, ओके। तो ज्यादातर ये ऑपरेट होती है सिंगापुर से, दुबई से या फिर चाइना से, ओके। तो ऐसा नहीं है कि भारत में बड़ी कंपनीज नहीं है, लेकिन बहुत कम है, ओके। ज्यादा चाहिए, ज्यादा होगी तभी जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, तभी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तभी जीडीपी ज्यादा हो सकेगी, तभी हमारा इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो सरकार के पास टैक्स के रूप में भी पैसा जाएगा, ओके। टैक्स भी सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के ऊपर लगाएगी तो ज्यादा पैसा उसके पास जाना होना शुरू हो जाएगा, तो ये कर्जे की जो दिक्कतें हैं ये भी कम होनी शुरू हो जाएगी, ओके। तो इंडिया जो है ना अभी जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनको अभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि तो हमें अभी हमारे पास चांस है कि जो प्रवासी लोग हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके, उनको हम यहाँ पर ट्रेन करें, ओके, जो कि मतलब क्या करते हैं कि नई इंडस्ट्रीज जो है ना वो लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आने वाले समय में इतना उनके पास यहाँ पर पैसा है कि वहां पर नई इंडस्ट्री लगाए भारत में, लेकिन वो करते क्या है, इंडस्ट्री लगा भी देते हैं लेकिन भारत को यहाँ पर वैसे ही इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो समय एक समय लगता है इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, तो वो उस समय तक उस कंपनी को पहुंचने ही नहीं देते कि जब जब तक वो पहुंचे और यहाँ पर इंडिया के बिजनेस इकोसिस्टम में वो कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू करते। तो इसी के चलते यहाँ पर चांस है कि हमें जो है ना उनको सही दिशा हम दें, और सही दिशा जो है गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे डील करते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है उसको। अगर सही से डीलिंग नहीं होगी, अगर सपोज करो अभी बहुत सारे केसेस निकल कर भी आते हैं कि हमने ऑप्शन के रूप में कोई यहाँ पर सपोज करो कोई प्रोजेक्ट देना था, तो वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत कोई बाहर की कंपनी ने प्रोजेक्ट ले लिया,
कुछ हफ्तों बाद जाकर हम वो उस ऑप्शन को ही कैंसिल कर देते हैं जब उसने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी होती है कि नहीं अब जो ना आपने बिडिंग जो थी ना जो की थी उससे हमें कम पैसा आया, अब दोबारा से बिडिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सोलर पैनल की प्लांट लग रहा था गुजरात में एक जगह पर, तो वहां पर ये इंसिडेंट हुआ था। ओके, तो ये चीजें सही नहीं है जिसके बदौलत जो है ना FDI नाराज हो जाती है, फिर वो भारत की ओर रुख नहीं करते हैं। ओके, तो अभी इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम में हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर वो इन्वेस्ट करें, रिटेन करना है हमको कि रहें, ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट करने के बाद भाग जाए। ओके, तो इन्वेस्ट करने के बाद वहां पर टिके रहें, और हमारे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो इन्वायरमेंट है, हमें इंडिया को जरूरत है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे और प्रमोट करे ईज ऑफ बिजनेस को और यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग को। और अभी आखिर में ऑथर बात करें कि एक वेलकम स्टेप है, जो अगर हम इस रिगार्ड की बात करें कि अगर रिफॉर्म्स लेकर आते हैं सिनेरियो में, हम FDI के सिनेरियो में, तो अगर बात करें पर्सनल टैक्सेशन की, जो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अगर उसको यहाँ पर पर्सनल रूप में अगर आपने टैक्स लगाना ना, तो अभी जो भी लोग प्रवासी लोग भारत में यहाँ पर आ रहे हैं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अभी उनको पहले समय दो कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, उनको यहाँ पर समय दो कि स्टे करें लंबे से लंबे समय के लिए, ताकि जो कि अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से वो आगे प्रमोट कर पाए। ओके, अगर कम वैल्यूएशन की कंपनीज को बड़े वैल्यूएशन में कन्वर्ट कर पाए, तो जो भी आपने टैक्स लगाना है, तो आप जितनी भी इनकम वो विद इन इंडिया जनरेट कर रहे हैं ना अपनी कंपनी, जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो वहां पर लगाइए आप टैक्स। ओके, ना कि जो उनकी ग्लोबल इनकम है तो उसके ऊपर आप टैक्स लगाइए। तो यहाँ पर भारत सरकार को ऐसी बात कही गई है, तो यही पॉलिसी जो है ना, इससे क्या होगा, ईज ऑफ लिविंग जो है ना फॉरेन सिटीजन का वो प्रमोट होगा। ओके, अच्छे से उनको रहना, यहाँ पर आप उनको प्रमोट करो कि आप स्टे करें अच्छे से। तो यही पॉलिसीज चाइना के द्वारा जो ऑलरेडी अडॉप्ट की जा चुकी है, सिंगापुर के द्वारा ऑलरेडी अडॉप्ट की जा चुकी है, और भी बहुत सारे नेशंस हैं जिन्होंने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं और उन्होंने उसका रिवॉर्ड भी अच्छा खासा पाया है। ओके, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी वहां पर बढ़ी है और इनकम भी बढ़नी शुरू हो गई। जब GDP बढ़ती है तब इनकम भी बढ़ती है। और यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म जो फार्मर्स के लिए, यहाँ पर कोई कंसेशन की बात नहीं की जा रही, सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक डिफरेंट माइंडसेट जो है ना वो अडॉप्ट करके चलो टुवर्ड्स द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर भारत ने ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनना है, तो हमें जो रूल्स जो है ना, तो उनको अभी उसी के हिसाब से काम करना होगा जिस तरीके से यहाँ पर हम उनको आगे प्रमोट कर पाए। ओके, दुनिया में जिस तरीके से बाकी देश काम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सीखना होगा उनसे भी हमें। तो जो राइटर है इस आर्टिकल के, वो फाउंडर डायरेक्टर है फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया फॉरम के। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें द रियल नेट जीरो सम गेम। तो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो कैसे भारत की अप्रोच है, कैसे बाकी दुनिया की अप्रोच है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। तो 5 अलग अलग सोल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑथर की तरफ से। तो शुरुआत में बात करें कि जो नेट जीरो का जो टारगेट है, ओके, तो यहाँ पर ना जो अमीशंस है ना उसके हिसाब से यहाँ पर जो ना उनको प्रोसीड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि जो जो देश जितनी ज्यादा अमीशन कर रहे हैं, तो उतने बड़े पैमाने पर अपने आप को जो ना टेक केयर करें और अपना टारगेट उस तरीके से रखें। ओके, तो अभी जो इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज है ना, तो ज्यादातर जो जैसे हम बात करें जैसे USA हो गया, तो बड़ी मात्रा में वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। UK तो वो तो फादर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सबसे पहले वहां पर ही शुरू हुआ। ओके, UK हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो ये सभी के सभी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज भी इकोनॉमीज है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने प्लेज रखा हुआ है, यहाँ पर एक तरीके से एक टारगेट रखा हुआ है कि नेट जीरो एमिशन ये हासिल करेंगे 2050 तक। ओके, तो यहाँ पर जो इनका 1990s में या फिर अर्ली 2000 जितनी भी बड़े पैमाने पर इनकी पीक एमिशन थी ना, तो उसके मुकाबले में अभी ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं और उसके मुकाबले में नेट जीरो तक पहुंचेंगे 2050 तक। तो ये इनका टारगेट है। और इंडिया का यहाँ पर जो टारगेट यहाँ पर जो है वो है यहाँ 2040 तक जो है हम यहाँ पर नेट जीरो एमिशन हम करेंगे। मतलब नेट जीरो एमिशन कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके का एमिशन हमें हमारे यहाँ भारत में या दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो, जिससे कि और भी जो हार्मफुल गैसेस जो कि अभी पैदा हो रही है बड़ी पैमाने पर, जब भी गाड़ियां वगैरह सड़कों पर चलती हैं, तो बहुत सारी यहाँ पर जो इमिशंस निकलता है, तो बहुत सारी गैसेस है जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, और वो मतलब वो पूरे एनवायरमेंट को खराब करी। जैसे आप दिल्ली में जाओगे ना, तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो आम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो आम जनता जो विचर रही है घूम फिर रही है दिल्ली में, तो वो 340 के ऊपर है, 340 के, तो बहुत खराब है वो। ओके, तो इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ जरा से जरा 20 या फिर 30 के बीच में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होना चाहिए, लेकिन 350 के ऊपर चला जाता है, जो मतलब आम लोग जहां पर घूम फिर रहे हैं, तो देखो कितनी खराब हवा है जहां पर लोग सांस ले रहे हैं। ओके, तो अभी इसी चीज को ना, ये एमिशन अगर कम होगा ना, तभी ये चीजें कम होगी, तभी ये हार्मफुल गैसेस का कंटेंट जो है कम होगा। तब देखो जब लॉकडाउन लगा था, जब संपूर्ण लॉकडाउन था ना, तब एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी निखार देखने को मिला था दिल्ली में, जो हमारी नदियां थी। ओके, जो नदियां थी जो कि मतलब जिनमें कूड़ा करकट वगैरह बहता रहता था, उसमें भी मतलब बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिली थी। साफ पानी जो था ना वो बहता हुआ नजर आया था
दूर दूर तक, ओके, मतलब जहां पर खराब सिचुएशन रहती है वहां पर भी, ओके। तो अगर नेट जीरो मिशन होगा तो कितना फायदा उसका होने वाला है, तो इसी के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत की बात कर रहे हैं, भारत का यहाँ पर पीक रखे चल रहा है भारत 2040 तक। तो यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर की तरफ से कि अभी इंडिया को आप धकेल क्यों रहे हो, जो बाहर की जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, वो भारत जैसे देश को क्यों यहाँ पर पुश कर रही है कि वो जल्दी से जल्दी अपना टारगेट अचीव करे। बाकी यहाँ पर जो है ना 50 साल तक यहाँ पर रख रहे हैं, 2050 तक अपना जो है टारगेट रख रहे हैं, 2040 तक भारत को यहाँ पर कह रहा है कि आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लो, ओके। तो जो फाइनल यहाँ पर जो ग्लोबल यहाँ पर नेट जीरो मिशन का टारगेट 2050 तक है, तो इंडिविजुअल कंट्रीज को अभी क्या करना होगा, अगर ये 2050 तक भी इन्होंने यहाँ पर इसको कवर करना है ना, तो अभी सभी हर एक कंट्री को इंडिविजुअली यहाँ पर नेट जीरो मिशन का टारगेट या भी कंप्लीट करना होगा सेम टाइम, ओके, एक ही समय पर। ऐसा नहीं है कि किसी ने 2050 तक कर लिया, किसी ने 2040 तक कर लिया, किसी ने 2070 तक यहाँ पर बात पहुंचा दी, ऐसा नहीं है। तो इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर है। तो इसमें ऐसा है, देखो भारत भारत अगर बढ़ चढ़कर भी इसमें हिस्सा लेता है, सपोज करो भारत ने 2030 तक ये टारगेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो बाकी जो मुल्क हैं तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो वो तो धरती का नुकसान कर ही रहे ना। तो भारत जितने एफर्ट भी करेगा तो उतना भी मतलब ये नुकसान भी करते जाएंगे, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने एफर्ट नहीं करने, हमने एफर्ट करना है, जितना हम कर सके करेंगे और दुनिया के लिए भी करेंगे। तो भारत सरकार इसी अप्रोच को लगाकर चल रही है, ओके। तो यही बात ऑथर भी यहाँ पर कर रहे हैं कि नेट जीरो मिशन अगर हासिल करना है तो सेम ही समय पर इंडिविजुअल कंट्रीज को एक ही पेस पे आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है ना, तो उनको भी नेट जीरो मिशन यहाँ पर लेना होगा 2040 तक की, ओके। अगर कंट्री किसी इंडिया लाइक अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करें ना, तो यहाँ पर वो यहाँ पर नेट जीरो स्टेटस जो है ना 2060 तक, अराउंड द लेट 2060 तक जो यहाँ पर वो हासिल कर सकती है, ओके। तो कंसेप्चुअली यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई कंट्री ऐसी नहीं है, नो कंट्री शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन टू पीक एंड नेट जीरो, मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ओके। तो यही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत को आप क्यों धकेल रहे हो कि आप जल्दी से जल्दी करो, ओके। तो ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन आउट किया जा रहा है। तो अभी बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल आर्गुमेंट निकल कर आता ना इस सोल्यूशन का, इस क्वेश्चन का, जो अभी यहाँ पर उठाया जा रहा है ऑथर के द्वारा। तो यहाँ पर जो G20 कंट्रीज की जब मीटिंग होती है, तो G20 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तो क्या यूरोपियन यूनियन जो है वो एज ए जो है यहाँ पर 27 मेंबर बॉडीज है, तो क्या वो G20 का हिस्सा है, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ओके। तो अभी जो ये मीट होती है G20 कंट्रीज की, तो भारत भी इसका हिस्सा है। तो अभी कुछ जो ये बातें इनके द्वारा की जाती है ना इंडिया के बारे में, तो ये क्या है, सबसे पहली बात करें कि इंडिया की जो है ना अभी लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है, मतलब कि जितनी भी जीडीपी बनती है ना उसको जितनी पॉपुलेशन हो उसके साथ डिवाइड कर लो तो पर कैपिटा जीडीपी निकाली जाती है कि एक बंदे के हिसाब से कितनी जीडीपी बनती है किसी देश की। और इसी तरीके से इनकम भी निकाली जाती है कि मतलब जिस पैमाने पर पूरे देश की इनकम है उसको पॉपुलेशन के हिसाब से डिविजन कर लो तो एक बंदे के हिसाब से कितनी इनकम निकल कर आती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उतना यहाँ पर जो है लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा हो जाएगा, उतनी यहाँ पर लोएस्ट इनकम पर कैपिटा भी होता जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पर बातें की जाती हैं G20 नेशंस के द्वारा कि लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है, लोएस्ट फाइनल एनर्जी कंजप्शन पर कैपिटा है, लोएस्ट पावर कंजप्शन पर कैपिटा है, लोएस्ट ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर एमिशन पर कैपिटा है, ओके। तो ये सब चीजें हैं ना भारत में, मतलब बहुत कम कम है जिसके तहत जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है उसको भारत जल्दी जो है ना वो उस टारगेट को अचीव कर सकता है, ओके। तो देखो जब एनर्जी कंजप्शन की यहाँ पर जो दायरा बात करें तो उसमें भी बहुत गिरावट है पर कैपिटा के हिसाब से, ओके। तो यहाँ पर अगर पावर कंजप्शन की बात करें तो वो भी बहुत कम है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंजप्शन की बात करें, एमिशन की बात करें सॉरी, तो वो भी पर कैपिटा बहुत कम है। तो इतने बड़े पैमाने पर अभी गाड़ियां तो नहीं बिकती नहीं कि पूरे के पूरे 130 करोड़ ही लोग जो है गाड़ियां वगैरह चला रहे हैं, यहाँ पर एमिशन कर रहे हैं, ओके। तो ये बातें, ये जो है ना जवाब दिया जाता है, आर्गूमेंट किया जाता है G20 कंट्रीज के द्वारा भारत के लिए। तो ये बात इसीलिए कहते हैं कि भारत जल्दी से जल्दी अपना टारगेट अचीव कर सकता है, ओके। भारत के पास यहाँ पर सिनेरियो ऐसा है भारत का, ओके। तो अभी इस पोजीशन का भारत जो है ना फायदा उठा सकता है, ओके। तो भारत जो पूरी दुनिया है तो उसके बारे में ऑथर बात करें कि उनको अभी पॉजिटिव डिस्कशन इस मुद्दे के ऊपर करनी होगी, फोकस करना होगा ताकि जो कि बड़े पैमाने पर सोल्यूशन निकाला जाए इस सिचुएशन का। अगर अकेला भारत भी आगे बढ़ता है बाकी कंट्रीज को भी आगे बढ़ना होगा। देखो एक पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो वहां पर ना बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज भी इकट्ठे हुए, अनडेवलप्ड कंट्रीज जैसे डेवलपिंग कंट्रीज वो भी इकट्ठे हुए, मीटिंग हुई। तो वहां पर एक टारगेट रखा गया कि $100 बिलियन जो है ना वो जुटाए जाएंगे और यहाँ पर वो उसी $100 बिलियन को बांटा जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे भारत हो गया, ओके, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। तो वो उनको बांटा जाएगा कि वो इस पैसे को लगाए एनवायरमेंट के ऊपर, एनवायरमेंट सही तरीके से आगे बढ़े, मतलब खराब ना, ओके। तो अभी उसी उसी के रिगार्डिंग अभी ना बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पांच तरीके के सोल्यूशन
ऑथर के द्वारा यहाँ पर सुझाए जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है कि जो क्लाइमेट एक्शन जो यहाँ पर चाहिए तो उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर ईच ईयर फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रिंग फेंसिंग इट्स पॉपुलेशन एंड सिस्टम। तो ये भारत की बात कर रहे हैं कि हर साल यहाँ पर 100 बिलियन डॉलर जो है हमें चाहिए अगर हम क्लाइमेट अडेप्टेशन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, उस हिसाब से जो हमारे सिस्टम चल रहे हैं, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, एनवायरमेंटल सिस्टम, तो उसको अगर हम टैकल करना चाहें। ओके, तो यहाँ पर 300 बिलियन जो है ना 2050 तक हमें यहाँ पर इतने पैसे तक हम टच कर जाएंगे, तो इतना पैसा हमें चाहिए। ओके, तो हाई टाइम के हिसाब से यहाँ पर बात करें कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है ना, तो उन्होंने प्रॉमिस तो किया था कि जो ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था कि हर साल 100 बिलियन डॉलर जो है जुटाए जाएंगे बाय 2020, 2020 तक इतना पैसा हम जुटा देंगे और ये डेवलपिंग कंट्रीज को हम देंगे, ओके, 2025 तक। लेकिन उसके हिसाब से अभी तक भी ना 10% भी इस अमाउंट का नहीं दिया गया है। ओके, मतलब कि बातें हवा में कर दी गई थी कि 100 बिलियन डॉलर हम इकट्ठा करेंगे, 2015 में बात की, 2020 तक का टारगेट रखा और कहा था 2025 तक ये पैसा बांटेंगे, लेकिन दिया कुछ भी नहीं, 10% तक भी इसकी अमाउंट नहीं पहुंची। तो इसका भी मैं सिनेरियो बताता हूँ, 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हम हिस्सा ही नहीं रहेंगे, हम मतलब अपने आप अपनी मेंबरशिप कैंसिल करते हैं। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि एनवायरमेंट में जो भी चेंज आती है ना वो कुदरत के हिसाब से होती है, तो वो कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, तो इसका यहाँ पर हमें अगर यहाँ पर इस एरिया में पैसा लगाते तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्यों अमेरिका ऐसा बोल रहा था, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसा देना पड़ रहा था इस फंड के तहत, जो जो कि यहाँ पर 100 बिलियन डॉलर जुटाने की यहाँ पर बात हो रही थी। ओके, तो अभी दोबारा से जो बाइडन की सरकार आई है इसी साल, तो अभी वो दोबारा से लौट आए इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर फंडिंग ये नहीं जुटा पाए बड़े पैमाने पर। लेकिन अगर बात करें बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभानी चाहिए थी ना वो नहीं निभाई है यहाँ पर। और आगे यहाँ पर जो सुझाव दिया जा रहा है इसी, यहाँ पर जो पहला सुझाव है, तो यहाँ पर जो भी पैसा यहाँ पर सपोज करो 100 बिलियन डॉलर अगर ट्रांसफर भी करते हैं, तो पर कैपिटा इमिशन के हिसाब से जो जो भी कंट्री जिस हिसाब से पर कैपिटा इमिशन निकल कर आ रही है, ग्लोबल एवरेज यहाँ पर जो पर कैपिटा जीएचजी इमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसके हिसाब से, तो सभी कंट्रीज को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना होगा। ओके, जितना यहाँ पर जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्सेस एमिशन होती है उतने बड़े पैमाने पर जो है ना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए फंड्स की। ओके, तो यहाँ पर एक ना एक वैल्यू रख रहे हैं कि पर टन के हिसाब से एक वैल्यू रख लो, जितना यहाँ पर बंदा जो भी कंट्री मतलब उतनी पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से पर टन जितनी एमिशन कर रहा है तो उतना यहाँ पर वो फंड देना पड़ेगा यहाँ पर जो कलेक्शन करनी है वहां पर। तो यहाँ पर टोटल कलेक्शन इसको यहाँ पर 100 बिलियन डॉलर एक साल के हिसाब से रख रहे हैं कि एक साल में इतनी कलेक्शन तो होनी चाहिए, और इससे ये कैसे करनी है, तो यहाँ पर $10 पर टन के हिसाब से ये बात कर रहे हैं कि जो भी कंट्री, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री सपोज कर लो अगर 1 टन का वो एमिशन क्रिएट कर रहा है, मतलब इतनी हार्मफुल गैसेस क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर फिर उनको $10 जो है ना अभी उस फंड में डालने होंगे, जीएचजी एमिशन वाला जो यहाँ पर फंड बनाया जाएगा उसमें डालने होंगे। तो इसी तरीके से सभी कंट्रीज को यहाँ पर हिस्सेदारी लो, ओके, चाहे भारत है, चाहे कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज है, चाहे इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है, तो सबको इकट्ठा करो और यहाँ पर 100 बिलियन डॉलर का यहाँ पर ना एक टारगेट रखो कि इतना फंड हमने अचीव करना है, और इस तरीके से करो। ओके, $10 पर टन के हिसाब से उनको बोलो कि आप पैसा डालो इस फंड में, तो इस पैसे को आगे जो है यूज किया जा सकेगा, ऐसी मैकेनिज्म तैयार किया जा सके कि यहाँ पर एमिशन कम से कम हो, कम हो आने वाले समय में। तो ये तो पहला सोल्यूशन दे दिया। दूसरे की अभी बात कर रहे हैं, तो अभी दूसरे सोल्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमें कॉमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पूल जो है ना उसको क्रिएट करना होगा। ओके, जहां पर जो इंडस्ट्रियलाइज हो, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, तो वहां पर उनको इक्वल पार्टनर्स के तौर पर हमें डेवलप करना है। ओके, तो इस टेक्नोलॉजीज में क्या क्या चीज आ जाएंगे, इसमें यहाँ पर बैटरी स्टोरेज आ जाएगा, ओके, फॉर द पावर सेक्टर एंड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ओके, तो ये चीज आ जाएगी। ओके, तो हाइड्रोजन, एडवांस बायो एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर, तो ये सब चीजें आ जाएंगी अगर हम टेक्नोलॉजी के मात्र में अगर क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर इंडिया के रिगार्डिंग बात निकल कर आता है, तो यहाँ पर है वो एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, और यहाँ पर इसको क्लीन कैसे रखना है, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी और इसको क्लीन कैसे रखना है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जैसे कोल की बात करें तो अभी तक का मेन स्टे इंडियन एनर्जी सिस्टम का वही है, जिससे कि हम थर्मल, जो थर्मल पावर है ना उसको जनरेट करते हैं। तो जैसे जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट है, तो वहां पर बड़े पैमाने पर कोल ही यूज हम करते हैं, और उसी कोल से क्या होता है कि जो फ्लाई ऐश है ना वो उड़ती है बाहर, जब वो उड़ती है एनवायरमेंट में जाती है, डस्ट पार्टिकल जाते हैं, तो वो मतलब नुकसान करते हैं, तो उन्हीं फ्लाई एशेस को भी हम ना कोशिश करते हैं कि यूज करें, निकालें इकट्ठा करके, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि किसी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां पर सीमेंट में मिक्स करके वहां पर लगा दें, जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां पर मिक्स करके वहां पर लगा दें, तो इस तरीके से भी हम जो है ना कोशिश करते हैं
एनर्जी सिक्योरिटी की, और उसको साफ साफ एनर्जी जो है ना वो प्रदान उसके उसके चलते। तो अभी बात करें कि इंडिया ने अभी 16,400 मेगावाट के जो पुराने और इनएफिशिएंट जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनको रिसेंटली रिटायर कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि जितने पुराने होते जाएंगे ना उतना ज्यादा एमिशन करेंगे, उतना बड़े पैमाने पर फ्लाई एशेज ये फ्लाएंगे, नुकसान ज्यादा होगा। तो भारत सरकार ने अभी रिसेंटली इनको रिटायर कर दिया और अभी प्लान और कर रही है कि और भी 6,000 मेगावाट के जो 3 से 4 सालों में इनको भी रिटायर कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और आगे बात करें प्लांट लोड फैक्टर की, तो प्लांट लोड फैक्टर का मतलब होता है कि एक समय में कितनी ज्यादा से ज्यादा जो है पावर जनरेट की जा सकती है किसी पर्टिकुलर पावर प्लांट के जरिए। तो अभी इनकी जो अभी कैपेसिटी है, तो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 50% तक की है, तो ऑलमोस्ट हाफ द टाइम दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग पावर, मतलब आधे समय तक ये पावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, तो अभी 50% तक की इनकी पावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है। ओके, तो अभी इसी के साथ साथ भारत सरकार क्या कर रही है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी प्लान भी भारत सरकार का चल रहा है। जैसे यहाँ पर 4,50,000 मेगावाट की यहाँ पर सोलर कैपेसिटी की बात करेंगे, जो जो कि 2030 तक हम यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, और यहाँ पर 2022 तक का हमारा टारगेट है कि 175 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है हम उसका एक मैकेनिज्म जो है तैयार कर देंगे भारत में। तो 175 गीगावाट तक की जो बिजली उत्पन्न होगी वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को यूज करके की जाएगी। और इसी के चलते जो अगर हम रिन्यूएबल पावर सेक्टर में बात करें, ओके, तो हमें नेशनल पावर ग्रिड में इनका एक अहम स्थान बनाना है। ओके, तो अभी तो थर्मल पावर का ज्यादा योगदान है, जो हाइड्रो पावर है उसका ज्यादा योगदान, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी को भी, इस पावर को भी नेशनल ग्रिड के साथ हमने जोड़ना है। तो इंडिया को अभी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने सिस्टम में, और यहाँ पर स्टोरेज सबसे बड़ी बात है कि जो सोलर एनर्जी हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे या विंड एनर्जी से जो एनर्जी निकल कर आएगी तो उसको स्टोर भी तो करना है ना कहीं पर। ओके, स्टोर रहेगी किसी अच्छे यहाँ पर बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के तहत, तभी तो बात बनेगी ना, तभी आगे बिजली जो है ना निरंतर पहुंचती जाएगी जहां पर भी हमने पहुंचानी है। और अगर ग्लोबल बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की बात करें ना, तो अभी वो बड़े पैमाने पर रेडी नहीं है। ओके, तो अभी बहुत समय लगने वाला है, अभी कुछ समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे इसको सही तरीके से डेवलप होने में। ओके, जो प्राइस जो है ना वो भी प्राइस ऑफ द पावर, तो वो भी अफोर्डेबल रहना चाहिए। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से हम पावर ले रहे हैं तो वो भी अफोर्डेबल हो, आम जन जो लोग है ना वो अफोर्ड कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर एफिशिएंसी को एनहांस करने के ऊपर फोकस नहीं करना है, जो हमारी जो पावर जनरेशन है या ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है या उसकी यूसेज है, तो इसके ऊपर भी हमने लगातार जो है रिसर्च इसके ऊपर करते रहना है, इसको भी एनहांस करते रहना है। तो इंडिया को अभी क्लाइमेट चेंज सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज जो है ना उसके ऊपर फोकस करना होगा, तो उनको मेक इन इंडिया बास्केट में अभी डालना होगा। तो इसके चलते रिसर्च जो फैक्टर है ना वो सबसे अहम फैक्टर है। और अभी जो तीसरा यहाँ पर सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर बात करें जो बिजनेस और जो इंडस्ट्री है ना, तो इनको इन्वॉल्व करो क्लाइमेट चेंज डिस्कशंस में, एक्शंस में। ओके, तो अभी ये भी जो अगर कोई प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो सबसे पहले फोकस करें कि एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करके चलना है। तो फाइनेंसिंग जो यहाँ पर करनी है ना, तो यहाँ पर अवेलेबल हो बिजनेस को उन्हीं यहाँ पर टर्म्स के ऊपर, जिन टर्म्स के ऊपर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज अवेलेबल करती हैं कैपिटल सबसे सस्ती कॉस्ट के ऊपर। मतलब कि अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए सरकारी बैंकों से, वो लोन उठाती हैं, तो वो उनको सस्ता कैपिटल, मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम लगाओ, ताकि एक कंडीशन के साथ कि अगर आप सही तरीके से काम करोगे, मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, ओके, तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज जो डिस्कशन है, जो एक्शन प्लान है, उसको मद्देनजर आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी के चलते यहाँ पर आपको सस्ता कैपिटल अवेलेबल कराना है कम इंटरेस्ट रेट में, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो $100 बिलियन अगर एक साल के हम फंडिंग इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उसको यूज किया जा सकता है फॉर इंटरेस्ट रेट सब्सिडी। ओके, मतलब सब्सिडी के तौर पर भी इतना पैसा जो है ना हम दे सकते हैं, जब पैसा ये हमारे पास आता है, तो उसको अगर जिस भी फैक्टर में, जिस भी सेक्टर में हम अवेलेबल करवाना चाह रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 10% पॉइंट के हिसाब से हमें ना यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, जो बिजनेस अदारे हैं, जो इंडस्ट्रीज के अदारे हैं उनके लिए, ताकि जो कि आसानी से उनको लोन भी मिल जाए और यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह भी लाए। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के जो कंसर्न्स हैं, जैसे कि जो गैसेस वगैरह उनके यहाँ पर एमिशन नहीं होनी चाहिए, ओके, उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए जो पर्याप्त टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करना है, पर्याप्त जो यहाँ पर स्पीसीज है पेड़ों के वो लगाने हैं कि जो मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती भी है तो वो अब्जॉर्ब कर लें, मतलब इस तरीके की भी बहुत सारी स्पीसीज है पेड़ों के, मतलब जो कि एक तरीके से आपको फ्रूटफुल सोल्यूशन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका काम जो है आसान बना सकते हैं। चौथी बात यहाँ पर कर रहे हैं, नेट जीरो इज द बास्केट फॉर ऑल 6 GHG, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी एक हार्मफुल गैस को ही कंसिडर करके चले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। हमें यहाँ पर जितने भी तरह के, यहाँ पर 6 तरह की ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं जिनको की टैकल करके चलना है। ओके, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन दो की बात की जा रही है, बाकी चार कौन सी है उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत बार आप पढ़ भी चुके हैं। ओके, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 15% जितने भी इंडिया की ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन निकल कर आ रही है वो मिथेन के फॉर्म पर निकलती है।
ओके तो और दूसरी यहाँ पर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो जो कि यहाँ पर खासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर आती है। तो ये बहुत मुश्किल है कि इसको मिटिगेट करें, इसको खत्म करें, क्योंकि अभी ये बहुत ही माइक्रो और डिस्पर्स नेचर के हिसाब से यहाँ पर ना ये अवेलेबल होती है। खासतौर पर जो हमारे जो पशु होते हैं तो उनके आसपास का जो सिनेरियो होता है उनके लिए, और जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होती है उनके हिसाब से। तो देखो क्रॉप प्रोडक्शन में भी जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड हमने इतने बड़े पैमाने पर छिड़कने शुरू कर दिए है, तो वो भी हमारी मिट्टी को खराब करते हैं। तो वहां पर किसी ना किसी तरीके से जो गैसेज हैं, जो एमिशन है, वो निकलते हैं। ओके अलग अलग गैसेज के, तो वो भी हार्मफुल है। ओके तो हमारी सेहत के लिए भी ऐसा खाना जो है, जो क्रॉप प्रोडक्शन निकलती है वो हार्मफुल है। तो हमारे एनवायरमेंट के लिए हवा भी दूषित करते हैं वो। ओके और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अनुकूल होते हैं हमारी धरती के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, वो भी मर जाते हैं जब हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं। तो वही चीज जो है बाद में लिव स्टॉक के पास जाती है, वो उसी चीज का चारा वो खाती है, फिर जब दूध निकलता है दूध भी फिर वैसा ही निकलता है। ओके तो बड़े पैमाने पर इंपैक्ट है। ओके तो एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पर स्पेशल सोल्यूशन हमें चाहिए। तो ऐसा ऑथर की बात यहाँ पर की जा रही है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इनपुट जो है ना, तो उनको हमें यहाँ पर लाना होगा। जैसे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी ऐसा ही था कि जितना हमें क्रॉप्स वगैरह, जितनी प्रोडक्शन अनाज की चाहिए थी उतनी हो नहीं पाती थी, बाहर से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था। अमेरिका से हम बड़े पैमाने पर अनाज इम्पोर्ट करते थे। कई बार तो ऐसा होता ना, जब पाकिस्तान से हमारी वॉर होती थी, जैसे 1965 की बात करें, तो अमेरिका हमें धमकी देता था कि अपनी वॉर वापस ले लो, नहीं तो हम आपका दाना पानी बंद कर देंगे। ओके तो इस तरीके से 1966 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो तब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए। जो हमारे स्वामीनाथन, जो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा एक केमिकल लाया गया, उनके दोस्त ने यहाँ पर यूज किया था मैक्सिको में। ओके मैक्सिको में उनके दोस्त थे, वहां पर अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर भी टेम्परेरी तौर पर रखा था कि जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन अभी तो बहुत आगे पहुंच चुका है, अभी प्रोडक्शन बहुत आगे है हमारी, लेकिन फिर भी अभी इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। 65,000 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार ने अभी अभी पिछले साल जारी की है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो ये नुकसान कर रही है ये कहीं ना कहीं चीजें। तो इनके ऊपर भी हमें फोकस करना होगा, अगर हम चाह रहे हैं कि नेट जीरो एमिशन करना है। और आगे यहाँ पर फिफ्थ सोल्यूशन बताया जा रहा है कि यहाँ पर अडेप्टेशन जो डिस्कशन है ना, तो उसको वापस लेकर आओ, आपस में बैठो, बातचीत करो सभी कंट्रीज की, आपने कितना टारगेट अचीव किया, मैंने कितना किया। ओके तो उसको यहाँ पर टेबल पे जरूर रखो। ओके हमें यहाँ पर जो ना क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है, जो यहाँ पर गरीब जनता है भारत की, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट हो सकता है, उसको भूलना नहीं है। ओके तो उसके रिगार्डिंग हमें काम करना है, अडेप्टेशन हमें जरूरी है, उनको अपनाना होगा। क्लाइमेट चेंज जो है ना, क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट इक्विटी और जस्टिस, इसका भी अभाव लेके हमें चलना है कि सबको एक जैसा क्लाइमेट हमने अवेलेबल करवाना है। ऐसा नहीं कि जिस बंदे ने इंडस्ट्री लगा दी वो एमिशन फैलाना उसने शुरू कर दिया, नहरों का पानी गंदा करना शुरू कर दिया, केमिकल्स को बिना ट्रीट किए जो है पानी में जो बहता दरिया उसमें धकेला जा रहा है। तो जब आगे जाके जो गरीब लोग वहां से पानी पी रहे हैं उनका आप नुकसान करते जा रहे हो, तो आप जो है जो जिसने इंडस्ट्री लगाई है वो साफ पानी पी रहा है। तो यहाँ पर इक्विटी और जस्टिस हमें चाहिए, तो वो हमें प्रदान करना है अपने देश के लोगों को। तो जो राइटर है वो प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 5 की। तो यहाँ पर बात करें, वांटेड ए मच बेटर एफआईटी, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, द कंटूर्स ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम मस्ट बी रिविजिटेड आफ्टर द पैंडेमिक। तो देखो जब से पैंडेमिक लगा तब से आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के चलते जो रेपो रेट है ना उसको अभी 4% तक ही रखा हुआ है। ओके तो उसको बढ़ाया नहीं है, तो बढ़ाया नहीं है तो अभी ये भी उसका रीजन है कोई, कि जो जिस तरीके से डिमांड बढ़नी चाहिए भी नहीं बढ़ रही है इकोनॉमी में। जब बढ़ेगी डिमांड, जब ज्यादा डिमांड हो जाएगी, ओके जब महंगाई यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी, तब यहाँ कर जो है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगा आरबीआई। ओके तो इसी के चलते शुरुआत में बात करेंगे, एक सस्पेंस अभी ओवर खत्म हुआ है किसके रिगार्डिंग, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब एक हम ना टारगेट लेकर चलते हैं कि 2 से 6% के बीच में हमने महंगाई को कंट्रोल करके चलना है। ओके तो अभी वैसे टारगेट को ना अभी आने वाले 5 सालों तक जो है ना अभी कंटिन्यू करके चलेंगे। तो ये 31 मार्च की मिडनाइट को ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ओके तो अभी इसी का सस्पेंस खत्म हो चुका है कि जो डेडलाइन थी कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की जो एग्रीमेंट के तहत कि 31 मार्च को ये चीज श्योर कर दी गई कि आने वाले 5 सालों तक हम जो है 2 से 6% वाला जो हम टारगेटिंग इन्फ्लेशन, जो महंगाई को कंट्रोल करने के यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर चलते हैं, मैकेनिज्म लेकर चलते हैं, उसी को फॉलो करेंगे आने वाले 5 सालों तक। तो बिल्कुल सही किया, बहुत समझदारी से ये काम किया, ऐसा ऑथर का कहना है। तो अभी का जो यहाँ पर क्लाइमेट है, जो अनसर्टिनिटी है, मतलब कि जो ड्रास्टिक चेंजेस अभी लग रहा था कि किए जाएंगे, ओके तो बिल्कुल सही बात है कि अभी नहीं किए गए, सही किया। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रीलुक नहीं करना है दोबारा से, जो हमारी जो क्राइसिस अभी हो चुका है, पैंडेमिक गुजर चुका है, हालांकि अभी भी बड़े पैमाने पर दोबारा से केसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, जो हमने जो फ्रेमवर्क जो पहले बनाया हुआ था उसको रिविजिट ना करें, ऐसा नहीं करना है।
जो कंट्रीज है पूरी दुनिया में, जैसे यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात करें, तो अभी भी अपने इन्फ्लेशन टारगेट को जो है रीलुक करके चल रही है कि किस तरीके से फ्रेमवर्क में अगर चेंजेस की जरूरत है हम करें। मतलब नजर जो है ना वो बनाई रखी हुई है इकोनॉमी के ऊपर, तो बिल्कुल हमें भी इसी तरीके से फॉलो अप करके चलना है, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं अगर 5 सालों का टारगेट रख लिया कि अब इन्फ्लेशन टारगेट को हमें छोड़ना, मतलब 5 साल तक हम चेंज ही नहीं करना, तो इन 5 सालों तक हम इसको कुछ देखें ही ना, ये काम यहाँ पर नहीं करना है। तो हमने मतलब देख देख के चलना है हर साल, हर 6 महीने बाद, हर क्वार्टर बाद, कि क्या यहाँ पर महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। तो यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल लेके हमें समझाया जा रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट को अगर हाइक कर देना, कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट को हाई मतलब बढ़ा दो तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो सब जगह यही मेजर जो है ना अपनाकर चला जाता है। तो यहाँ पर यूएस ने ये सबसे पहले किया था, वहां के जो यहाँ पर फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन थे, जो यहाँ पर यूएस का बैंक है, तो उनका नाम था पॉल वॉकर। ओके, 1970s में उन्होंने ऐसा किया था। तो उसी के चलते यहाँ पर ना जो एक MIT के यहाँ पर इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम रूडी डॉन बश, तो यहाँ पर रिमार्क उन्होंने किया था इसी के बारे में, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे उनके बारे में। सो नन ऑफ द एक्सपेंशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी डाइड इन द बेड ऑफ ओल्ड एज, एवरी वन वॉज मर्डर्ड बाई फेडरल रिजर्व। तो ये रिमार्क था उनका कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए यूएस में कि इकॉनमी वैसे ही बर्बाद होगी। ओके, मतलब कि बूढ़ा होकर कोई भी नहीं मरा। ओके, मतलब सबका मर्डर ही कर दिया। ओके, इस तरीके से यहाँ पर रिमार्क उनके द्वारा किया गया। तो क्या RBI भी बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ा, जैसे उर्जित पटेल की यहाँ पर टर्म की बात की जा रही है। उर्जित पटेल ना जो अभी जो शक्तिकांता दास जो अभी गवर्नर है RBI के, उनसे पहले उर्जित पटेल गवर्नर थे RBI के। ओके, तो अभी उनके टर्म में भी ऐसा हुआ था कि इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर बढ़ाया गया था। ओके, तो वहां पर ग्रोथ कम थी भारत की इकोनॉमी की। ओके, तो एक ग्रोथ कम थी मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके तहत महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो थे ये बढ़ाने शुरू कर दिए। तो अभी ऐसा हमने किया है, तो यहाँ पर क्या ये सही रहेगा? ओके, तो यही यहाँ पर चिंता की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो जिस इच्छा से हम यहाँ पर आगे बढ़ने चाह रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारी बोट आगे बढ़े, लेकिन जो नुकसान वगैरह ना कोई यहाँ पर चट्टाने वगैरह वो रास्ते में ना आए, वो सही तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़े। तो यही क्वेश्चन जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर उछल कर आ रहा है। तो यहाँ पर 2016 की जो अमेंडमेंट हुई है RBI एक्ट के तहत, तो यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी की उन्होंने बात की है कि प्राइस स्टेबिलिटी को हमने मैंडेट करके चलना है। तो ये जो है ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनिटरी पॉलिसी का। ओके, तो ये सब चीजें अगर हम माइंड में लेकर चल रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो ग्रोथ है वो भी बढ़नी चाहिए, उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, देखो जब भी महंगाई बढ़ जाती है ना, तो ऐसा होता है कि सपोज करो कोई एक प्रोडक्ट है, उसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गई ना। तो डिमांड बढ़ेगी तो 10 लोगों में से जो ज्यादा पैसे देगा उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब कि जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा उसकी वैल्यू चली गई। ओके, चीजें महंगी होनी शुरू होगी। तो ऐसे ही आप बाकी कॉमोडिटीज की भी एग्जाम्पल बना सकते हो खुद से, ऐसे सब चीजें महंगी होती हैं। ओके, तो जब चीजें महंगी हो गई तब उस समय क्या करेंगे, आम लोगों की जो पहुंच है उससे बाहर चीज चलेगी, लेकिन जरूरी है आम लोगों की पहुंच तक भी जानी चाहिए। तो उस समय RBI क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो फिर जब RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो फिर जो कमर्शियल बैंक जो RBI के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी बढ़ा देते हैं। ओके, तो उनको भी बढ़ाना पड़ता है क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट वगैरह देखना होता है। तो जब वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो जब आम बंदा कोई भी लोन उठाने जाता है कि मैंने कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई मैंने रेस्टोरेंट खोलना है, तो फिर सोचता है कि नहीं अभी रुको, लोन की इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, मुझे कुछ महीनों तक वेट करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में, कोई पैसा ही नहीं लेता, पैसा उठाता ही नहीं मार्केट से, लोन ही नहीं लेता, इन्वेस्ट ही नहीं करता, तो जो लिक्विडिटी है ना तो वो मतलब खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो जब जब तक अच्छे से महंगाई कंट्रोल में नहीं आती, तब तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए रखा जाता है। ओके, जब इनको ऐसे ही छोड़ दोगे ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर, मतलब बाद में ध्यान ही नहीं दिया, ओके देखा ही नहीं कि हमने कुछ चेंज किया था, तो फिर बाद में इकोनॉमी बर्बाद होती है। ओके, तो वो बिल्कुल गलत बात हो जाती है। इसको बिल्कुल ऐसे है कि जैसे टाइम मैनर में रहते हुए हमने यहाँ पर देख देख के चलना है कि अब बिल्कुल सही होगी इकॉनमी, उस इंटरेस्ट रेट को दोबारा से डाउन कर दो, क्योंकि इकॉनमी की ग्रोथ भी तो देखनी है ना हमने। इकॉनमी की ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगी जब लोन उठाएंगे लोग। ओके, तो ये सब चीजें हमें देख के चलनी होती है। तो ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ हम जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सब चीजें जो है मॉनिटरी पॉलिसी यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, तो ग्रोथ भी जो है ना वो भी माइंड में रखनी है। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है ना इसी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें 2016 से 18 की जो ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर काम नहीं किया गया है इस कंसर्न्स के ऊपर। यहाँ पर लेस माइंडफुल जो नेचर है वो अपनाया गया है सेंट्रल बैंक की तरफ से। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है जो MPC होती है, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो ये RBI के अंडर ही काम करती है। तो ये 6 मेंबर की कमेटी होती है, जिसमें 3 मेंबर जो है ना वो RBI से होते हैं, 3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट से होते हैं। ओके,
तो अभी ये एक्सपर्ट्स की ग्रुप होता है जिसमें से ना जो भी बैठक होती है इसको हेड कौन करता है, इनको इनको आरबीआई का गवर्नर हेड करता है। ओके, तो जो भी बातचीत करनी होती है, मगर अगर अगर कोई भी रेट उसको रिवाइज करना है, मतलब कि जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जहां पर कोई भी चीज ना जिसके ऊपर निर्णय लेना है आरबीआई ने, तो ये इकट्ठे बैठ कर लेते हैं। देखो कब जब भी ऐसे मेंबर बनाए जाते हैं तो अगर वो बैठते हैं, कमेटी बैठती है, इसका मतलब यही होता है कि सबकी सलाह लेनी है, सबकी यहाँ पर क्या डिस्कशन है, सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स बंदे बैठे हैं। ओके, तो वो जो सलाह दे उसके हिसाब से अपना फैसला पारित करो। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के बेस के ऊपर ही फैसला हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर वोटिंग राइट होता है सबका, वोटिंग होती है हर एक मुद्दे के ऊपर, फिर जाकर एक फैसला लिया जाता है, लेकिन गवर्नर की यहाँ पर ना ज्यादा डोमिनेंस रह जाता है। तो इसी को यहाँ पर चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ओके, कैसे, अभी ऐसे बात करें कि देखो कोई भी मुद्दा था तो जहां पर 6 मेंबर थे टोटल, तो उन्होंने अपनी वोटिंग दे दी। जब टाई हो गया, मतलब 3 मेंबर्स ने हक में वोट किया, 3 मेंबर्स ने खिलाफ वोट किया, तो उस टाई में यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर के पास पावर आ जाती है कि फिर वो यहाँ पर वोट कास्ट करे। ओके, तो जिसके फेवर में वो वोट कास्ट कर देगा तो वही फैसला माना जाएगा। तो फिर इनडायरेक्टली तो फिर उसी गवर्नर का ही फैसला हो गया ना वो। ओके, तो मतलब 3 और 3, मतलब दोनों एक दूसरे दोनों दोनों ने काट दिया और फिर अकेला गवर्नर बचा, फिर उसका जो डिसीजन है वही चलेगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं, इनको सही करना। तो यहाँ पर एमपीसी जिसकी की जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है, याद रखें ये बाइंडिंग होती है आरबीआई के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ये बात मानी जाती है कि एमपीसी जो बैठाई जाती है, तो उनका यहाँ पर कलेक्टिव विजडम, जो समझदारी है लोगों की, जो एक्सपर्ट्स की जो बैठते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, तो यहाँ पर वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। अगर हम विजडम ऑफ गवर्नर अकेले की बात करें, तो उन अकेले गवर्नर की जो समझदारी, तो उनसे यहाँ पर 6 बंदे जो बैठे उनकी समझदारी ज्यादा है। ओके, लेकिन प्रैक्टिस की अगर बात करें, तो यहाँ पर गवर्नर्स की वोट जो है ना वो आगे आ जाती है जिस जब भी टाई होता है, तो जिसके चलते सीधी सीधी बात है कि गवर्नर ही जो है ना डिसीजंस को ड्राइव करके चल रहा है एमपीसी में, मिलिट्री पॉलिसी कमेटी में। तो यहाँ पर कोई ऐसा एक सिंगल इंस्टेंस नहीं देखने को मिला, ज्यादातर ऐसा ही इंस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो एमपीसी का यहाँ पर रुख कुछ और होता है, गवर्नर का रुख कुछ और हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर उर्जित पटेल की टर्म की बात करें, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी उस समय चाह रही थी कि इन्फ्लेशन को डाउन करो, इंटरेस्ट रेट को डाउन करो, ओके सॉरी इन्फ्लेशन को नीचे करना, लेकिन यहाँ पर वो भी ये भी चाह रही थी कि ग्रोथ को भी ऊपर लेके जाना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम रखो, लेकिन इंटरेस्ट रेट उस समय ज्यादा रखेंगे। लेकिन जो आज का सिनेरियो है, आज गवर्नर है शक्तिकांता दास, तो अभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी इंटरेस्ट रेट भारत जो है आरबीआई रेट चल रहा है बहुत कम है, तो अभी दूसरी ओर इन्फ्लेशन भी प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, तो उसके भी साइन है। तो इस तरीके से हमें कंट्रोल करके चलना है कि सिनेरियो, मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो है ना, इस तरीके से रखो जो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो सही तरीके से काम कर पाए। अगर वो सही तरीके से काम करेगी तो सही तरीके से रूल्स एंड जो पॉलिसीज है वो लागू हो सकेंगी। तो लॉन्गर टर्म में यहाँ पर बात करें कि हमें रिविजिट करना होगा जो वोटिंग पावर है एमपीसी मेंबर्स की, उनकी शायद यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल मेंबर्स का नंबर बढ़ाते हैं ना, जैसे यहाँ पर जो एक्सटर्नल मेंबर 3 है, ओके जैसे 3 मेंबर तो आरबीआई के हो गए, लेकिन जो बाहर की जो एक्सटर्नल मेंबर लिए वो 3 है, तो उनको अगर आप 4 कर दो, तो फिर हो सकता है कि जो जो टाई हो जाता है ना, तो उसके फेवर में जब गवर्नर के पास बात चली जाती तो वो ना जाए, वहीं पर जो कमेटी है वही फैसला कर दे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें, तो उनको यहाँ पर जो है वोट वो कास्ट करें टू एन एक्सटर्नल मेंबर टू ऑफसेट द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नर्स वोट, मतलब उसकी वोट को काटने के लिए एक एक और एक्सटर्नल मेंबर उसको ऐड कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है ऑथर के द्वारा। तो यहाँ पर ये फ्यूचर में ऐसा हम काम कर सकते हैं, लेकिन अभी जो एमपीसी जो मीटिंग होती है, ओके तो यहाँ पर अभी दिस मॉर्निंग, अभी इस मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, फॉर इट्स फर्स्ट 3 डे मीट इज द न्यू फिस्कल। ओके, अभी नया फिस्कल शुरू हो गया, तो अभी 3 दिन की इनकी मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पर शक्तिकांता दास जो है ना ये टेकर करके चल रहे हैं, तो इनको अभी जेंटली जो है ना माइंडफुल तरीके से अपने डिसीजन अभी लेने हैं। ओके, बिल्कुल कॉन्शियस तरीके से ग्रुप बनाकर जो है ना सोचना है। ओके, जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हैं, तो फिर फैसला लेना है, जो भी इन्होंने फैसला लेना है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को अभी कम रखना है, जहां पर इनको थोड़ा बढ़ाएं। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर अभी से आज से क्या होगा, नाइट कर्फ्यू लगा दिए जाएंगे, वीकेंड लॉकडाउन लगेंगे महाराष्ट्र में। तो शाम 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है ना यहाँ पर नाइट कर्फ्यू होगा, प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो थी जो होंगी वो चलेंगी मिनी लॉकडाउन में इस कर्फ्यू के दौरान। तो मल्टीप्लेक्सेस, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, मॉल्स, ऑडिटोरियम्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। जेम्स पार्क वगैरह, रिलीजियस प्लेसेस, बाबा शॉप, ये सब कुछ बंद है। और जिनको परमिशन मिली, जैसे यहाँ पर जो रेस्टोरेंट से जो यहाँ पर बंदे बाहर जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर इनको टेक अवेज की परमिशन है। और इसके अलावा जो बैंकिंग, फाइनेंस, ओके, या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं, तो इनको परमिशन है। स्टॉक मार्केट्स में जो काम कर रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, टेलीकॉम ऑफिसेज, तो ये सब खुले रहेंगे, बाकी सब चीजों को बंद कर दिया जाएगा। आगे है जो फ्रंट पेज में जो सेकेंड न्यूज है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो एफएमसीजी, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो मतलब जल्दी से
जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती, जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, कंजप्शन जिनकी जल्दी हो जाती है, तो अभी उनके लिए लड़ाई है, क्योंकि अभी लोकलाइज्ड लॉकडाउन लगने शुरू हो गए अलग अलग एरियाज में, जैसे महाराष्ट्र की अपने अभी हमने बात की है, तो अभी फर्म्स जो है ना अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन इनके ऊपर अच्छे से फोकस कर रही है, जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के यहाँ पर मामले में काम करती है। तो कोई दो एग्जाम्पल दे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अभी ये क्या कर रही है, तो अभी ये सप्लाई चेन की जो यहाँ पर एजिलिटी उसको बढ़ा रही है अपने, और जो साइकिल ऑफ इन्वेंट्रीज है ना, तो पहले ये 4 से 5, पहले ये 8 से 10 दिनों की यहाँ पर इन्वेंट्री रखते थे कि इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा रहना चाहिए कि जब भी सप्लाई करें तो पीछे माल कमी ना हो स्टॉक की। तो अभी इसको आधा कर दिया, अभी सिर्फ 4 से 5 दिनों की स्टॉक ये रख रहे हैं, तो बाकी सामान ये मार्केट में लिक्विडेट कर रहे हैं कि भेजो। ओके, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा भेज दो बस। ओके, तो इसके अलावा जो इन्वेंट्री स्टॉक है, तो उसको यहाँ पर डिमांड सेंटर जो है ना, जहां जहां पर डिमांड निकल कर आ रही है एफएमसीजी की, तो वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं ये इन्वेंट्री स्टॉक्स को, वहां उसी के आसपास रख रहे हैं कि आसानी से सामान जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। तो मैक्सिमाइजिंग कर रहे हैं अपनी जो प्रोडक्शन है क्रॉस प्लांट, जितनी जितने बड़े बड़े पैमाने में ये बढ़ा सके, डिसेंट्रलाइज एंड लोकलाइज डिस्ट्रीब्यूशन और टू मिनिमाइज डिसरप्शन ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई। तो रॉ मटेरियल की सप्लाई सबसे जरूरी होती है। ओके, तो उसको भी डिसेंट्रलाइज मतलब कि लोकल, जहां जहां पर भी रॉ मटेरियल निकल कर आ रहा है उसके आसपास यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वगैरह बनाए जाए, जहां पर रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लें, आगे सप्लाई भेज दें, बफर स्टॉक बनाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में स्टॉक मतलब कम ना हो जाए, तो बफर स्टॉक भी रखे जा रहे हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट जो है ना, वर्क फोर्स जो है उसके साथ भी प्लांट्स में काम कर रही है अच्छे तरीके से। तो अभी दूसरा वेव आ रहा है, तो अभी FMCG की जो रिपोर्ट निकल जो ग्रोथ निकल कर आई ना, वो 6% के हिसाब से ग्रोथ हुई है Q3 के हिसाब से, जो फिस्कल ईयर 2020-21 था उसके हिसाब से, तो ये पिछले 16 महीने में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ थी FMCG यहाँ पर प्रोडक्ट्स की। ओके, तो अभी रिसर्जेंस दोबारा आ रहा है, तो दोबारा से कंजप्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, डिमांड कम हो सकती है। ओके, लेकिन अभी ये मिनी लॉकडाउन है, लेकिन लोगों की डिमांड है, तो लेकिन दिक्कत कहाँ पर आई, दिक्कत यहाँ पर अवेलेबिलिटी पर आएगी कि अवेलेबल करवा दें, तो अभी ये इन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, सामान लोगों तक पहुंच जाए किसी ना किसी तरीके से। और आगे न्यूज है पेपर पॉलिटिक्स वाले पेज में, तो यहाँ पर एक अच्छी खबर नहीं आई है, तो छत्तीसगढ़ में जो नक्सली है उनका अटैक हुआ हमारे जवानों के ऊपर, तो 21 हमारे जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, तो एक अभी भी लापता है। ओके, टोटल यहाँ पर 31 जवान जो है वो इंजर्ड हुए हैं, यहाँ पर जख्मी हुए हैं, तो यहाँ पर ग्रेनेड से हमला किया गया। ओके, रॉकेट लॉन्चर जो था वो उनसे हमला किया गया हमारे जवानों के ऊपर, मशीन गन से हमला किया गया, टारगेट किया गया जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल थे उनके ऊपर, तो ये यहाँ पर अटैक हुआ है 11:30 बजे के आसपास शनिवार को। ओके, तो सिक्योरिटी पर्सनल काफी जवान जो है हमारे शहीद हो चुके हैं, तो यहाँ पर लाइट मशीन गन जो है ना LMG जो यहाँ पर वो भी इनका यूज किया गया, जिसके तहत फायर किया गया हमारे ट्रूप्स के ऊपर। और अभी जो अटैक हुआ ना वही सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो ये आज का सिनेरियो नहीं है, काफी पुराने समय से ये चलता रहा है, तो अभी 2016 की बात करें, लेकिन ये 2016 से भी पहले का सिनेरियो है, मतलब जवान हमारे आज के शहीद नहीं हो रहे हैं वहां पर। तो अभी मेजर इंसिडेंट से अभी 2016 से ये शुरू करके बता रहे हैं हमें, तो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, जो 27 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के, जो कि प्रभावित हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, यहाँ पर जो नक्सली की तरह जो वायलेंस किया जाता है उसके उसके चलते। ओके, तो अभी मार्च 2016 की बात करें कि यहाँ पर लैंड माइन यहाँ पर अटैक हुआ था, लैंड माइन बिछाई हुई थी इन्होंने। ओके, तो हमारा एक ट्रक हमारे जवानों से भरा हुआ गुजर रहा था, जो कि उस लैंड माइन के ऊपर आ गया, वेट आ गया उस लैंड माइन के चलते, जो वो ब्लास्ट हो गया, तो बहुत सारे जवान जो थे इंक्लूडिंग जो पुलिसमैन थे, ओके, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। और यहाँ पर नवंबर 2016 की बात करें कि 2 CRPF के जवान भी हमारे इंजर्ड हुए थे, तो उस समय भी यहाँ पर जो ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो माइस्ट के द्वारा यहाँ घने जंगलों में ये काम किया गया था सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। मार्च 2017 की बात करें, 12 CRPF के जवान शहीद हो गए, माइस्ट अटैक हुआ था सुकमा डिस्ट्रिक्ट में ही। फिर अप्रैल 24, 2017 की बात करें कि 25 CRPF जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए। ओके, तो उस समय भी यहाँ पर माइस्ट का अटैक हुआ था, यहाँ पर जो बुरकापाल एरिया है सुकमा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर ही। अप्रैल 9, 2019 की बात करें कि बीजेपी MLA है भीमा मांडवी एंड 4 सिक्योरिटी पर्सनल, तो इनको मार दिया गया था। ओके, तो यह भी अटैक हुआ था उन्हीं के द्वारा, तो यहाँ पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ओके, तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में यह हुआ था। इसके अलावा जो मार्च 21, 2020 की बात करें कि 17% हमारे जो जवान थे उनको भी यहाँ पर किल कर दिया गया, मार दिया गया, तो ये भी सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो मार्च 23 की अभी बात कर रहे हैं, 5 DRG जो पर्सनल थे तो यहाँ पर उनको भी मार दिया गया, हमारे देश के जो जवान थे उनको यहाँ पर मार दिया गया इन्हीं मायूस के द्वारा। तो यहाँ पर भी बॉम्ब ब्लास्ट का ही, यहाँ पर नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट वहां पर ये चीज की गई। तो अभी हाल ही में अप्रैल में अभी शनिवार को ये इंसिडेंट हुआ है, 21 जवान हमारे शहीद हो गए, तो ये इतने बड़े पैमाने पर ये चीज चलती आ रही है। तो ये देखो जितनी टोटल फेटलिटीज हुई हैं अब तक, ओके, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की, तो उसको रेड कलर में शो किया हुआ है, टोटल को यहाँ पर ब्लैक कलर में यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये देखो 2001 से लेकर
2021 तक की बात कर रहे हैं। ओके, तो जितने भी रेड कलर में आपको देखने देखने को मिल रहे हैं ना, जैसे या 2003 में हो गया, या फिर ये जितने भी सीरीज, ये हमारे जवान हैं आर्मी के जो शहीद हुए हैं, तो ये उनकी गिनती है इस साइड पे, जितनी यहाँ पर मतलब जितने पैमाने पर जो है फैटलिटीज हुई हैं, जो जख्मी हुए हैं और जो यहाँ पर शहीद हुए हैं। और आगे न्यूज है कोविड-19 इम्पैक्ट फार्मा एंड करियर्स वाले पेज में, तो यहाँ पर जो कोविड-19 के चलते ऑटो सेल्स के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो अभी देखो, हमारा 31 मार्च 2021 को 2020-21 वाला फिस्कल ईयर खत्म हो गया, तो अभी उसी फिस्कल ईयर का डाटा बताया गया है कि एक साल में कितनी यहाँ पर जो है यहाँ पर सेल्स में कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर 7 साल का सबसे कम जो है ना सेल हुई है पिछले फिस्कल ईयर में, अगर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की बात करें तो 27% का यहाँ पर जो है ना टैक्स टैक्स कलेक्शन जो भारत सरकार की होती, तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो टोटल 28% का स्लैब रखा हुआ है भारत सरकार ने जीएसटी का, जो कि इन ऑटोमोबाइल्स व्हीकल जब सेल होते हैं तो 28% टैक्स जो है ना वो भारत सरकार के पास जाता है सीधे। मतलब कि अगर 100 रुपये आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया ना, तो उसका 28 रुपये जो 100 रुपये में से भारत सरकार के पास जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर रीजन क्यों यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ, तो यहाँ पर जो एक एवरेज रियलाइजेशन थी कि पर यूनिट के हिसाब से कि जो नए एमिशन नॉर्म्स भारत सरकार के द्वारा बनाए गए, ओके, उसके चलते। दूसरा, जो इसके अलावा जो कोविड की जो वेव आ गई ना, उसके चलते पैसा भी लोगों के पास कम हो गया, ना जो कि लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, खरीद नहीं पाए चीज। ओके, ये भी एक रीजन था। और आगे जो लोन जो दिया जाता है बैंकों के द्वारा, तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी थी। ओके, लोग यहाँ पर खाने के लाले पड़े थे, तो लोन कौन उठाएगा बैंकों से, तो ये सिचुएशन हो चुकी थी। इसके अलावा जो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल हुई है फिस्कल ईयर 2021 में, वो 2.71 मिलियन के आसपास है, और जो टू व्हीलर सेल हुए है वो यहाँ पर 15.1 मिलियन के आसपास है, 2020-21 का डाटा है। तो ओवरऑल जो मार्केट है वो रिस्पॉन्सिबल है 8% ऑफ द जीडीपी, जीडीपी का 8% इसी से निकल कर आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो यहाँ पर 18.8 मिलियन यूनिट्स में यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला, इतने मतलब नहीं बिके हैं, तो ये लोएस्ट है। ओके, अगर फिस्कल ईयर 2015 के हिसाब से अगर हम बात करें तो, ओके, 7 साल पहले की भी, 7 साल लो, मतलब 2015 तक फिर भी ठीक था। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन भी इसमें हिट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो रहा है 2020-21 में, जो अगर हम यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स की सेल्स की बात करें। लेकिन अगर इस ईयर की बात करें तो यहाँ पर अभी ठीक होना शुरू हो गया है, सेल्स में थोड़ी वृद्धि होनी शुरू हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्किट लिमिट। तो क्या होती है सर्किट लिमिट? देखो, जब भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई व्यापार होता है, ट्रेड चलता है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंजेस है भारत की। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसका जो इंडेक्स है वो निफ्टी है। ओके, निफ्टी 50 करके कंपनीज रजिस्टर्ड है, निफ्टी 500 भी है, निफ्टी 200, निफ्टी 100, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर ना स्टॉक यहाँ पर बेचती है अपना, कंपनी शेयर बेचती है अपना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं। तो यहाँ पर देखो कि इतने बड़े पैमाने पर ना गिरावट ना आ जाए कहीं पर इन्वेस्टमेंट में, ये जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं इंडेक्सेस के तहत। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ ना, तो सेंसेक्स में यहाँ पर कुल मिलाकर 30 कंपनीज ही रजिस्टर्ड कर पाती है अपने आप को। तो यहाँ पर एक सर्किट लिमिट रखी होती है कि जैसे यहाँ पर 10% के साथ 10% तक यहाँ पर कम से कम पैसा रहना चाहिए, मतलब इतने बड़े पैमाने पर पैसा नहीं निकलना चाहिए किसी भी कंपनी के, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो भी शेयर खरीद रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर इससे नीचे जाता है ना, तो फिर जो है ना जो शेयर मार्केट है वो क्रैश कर जाती है, तो उसके उसको यहाँ पर फिर पहले ही बंद कर देते हैं कि क्रैश ना हो शेयर मार्केट, तो ट्रेड को व्यापार को बंद कर देते हैं कि 10% तक यहाँ पर पहुंच जाता है, कि अगर इससे भी कम यहाँ पर जो ना शेयर हो गए किसी कंपनी के, यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है किसी कंपनी में, अगर बाहर से इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग कर ही नहीं रहा, मतलब सपोज करो कल 100 रुपये जमा करवाए थे, 100 रुपये का इन्वेस्ट किया था किसी कंपनी में, आज सिर्फ यहाँ पर 10 रुपये के आसपास रह गए। ओके, सिर्फ 10% यहाँ पर ना रुपए मतलब कंपनी के पास रह गए, तो बाकी 90 रुपए इन्वेस्टर्स के द्वारा बाहर निकाल लिया गया। ओके, तो अभी सिचुएशन में आगे ऐसा 10 भी ना निकल जाए, तो इसी के चलते यहाँ पर ना ट्रेड रोक दिया जाता है, ट्रेड ही बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सर्किट लिमिट होती है, तो 10% के रख के चलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो कैसा लगा पूरा का पूरा लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर जरूर दें। देखो, दोनों तरफ से एफर्ट करो, एक एफर्ट इधर से है, एक एफर्ट आपकी ओर से होना चाहिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछता ना उनका आंसर कर दिया करो, तो मतलब दोनों चीजें एक जगह मिलेगी ना, तो काफी फायदा होगा। ओके, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपका भी इंटरेस्ट जो है बनेगा आगे। और लाइक और शेयर जरूर करें इस लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।